लेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज श्री की ओजस्वी वाणी एवं तपस्या के दम तेज के प्रताप से न केवल लाखों लोग प्रतिदिन बुराइयों और व्यसनों से दूर होकर सुख शांति आनंद पाते हैं, बल्कि गुरुदेव के पुरुषार्थ से जन कल्याणार्थ राष्ट्रव्यापी सेवा प्रकल्पों के माध्यम से असंख्य दीन दुखी बेसहारा लोग प्रतिदिन सेवाओं का लाभ लेकर सुख पूर्वक जीवन जी रहे हैं। आइए बताते हैं कि क्या हैं और जन कल्याणार्थ सेवा प्रकल्प। इन प्रकल्पों में गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए 6 राज्यों में स्थापित की गई गौशालाओं की सेवा और अब ये सेवा श्री धाम वृंदावन में भी उपलब्ध है। निराश्रित वृद्ध जनों के सहायता जलगांव महाराष्ट्र में एम्बुलेंस सुविधा के साथ वृद्धाश्रम की सेवा और अब श्री धाम वृंदावन में भी संत महिला वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य। राष्ट्र निर्माण में आदर्श युवा सन्यासियों के लिए उपदेशक वैदिक गुरुकुलम, इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में वैदिक गुरुकुलम विद्यालय की स्थापना और अब कोविड बाल परवरिश केंद्र के रूप में अनाथ 51 बच्चों को गोद लिया जा रहा है। कोरोना काल के सबसे कठिन दौर में मेडिकल कैंप एवं शिविर लगाकर सेवा सहायता और अब भी नाड़ी परीक्षण के माध्यम से चिकित्सकीय सेवाएं एवं अत्यंत गरीब व जरूरतमंद लोगों को निशुल्क औषधि सेवा। श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमावासी सैकड़ों संतों के लिए नित्य दूध के वितरण की भव्य सेवा, अन्नदान, अन्य क्षेत्र की सेवा, समय समय पर विशाल साधु भोज भंडारे की सेवा। श्री धाम वृंदावन में अति वृद्ध दिव्यांग अथवा जो चलने में भी असमर्थ हों उनकी सेवा में पौष्टिक स्वास्थ्य वर्धक आहार श्री राधा किशोरी प्रसादम भोजन थालियों का प्रतिदिन वितरण चल रहा है। संपर्क कीजिए 8805960202, 8805970202, 9997695941, HDFC ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 5010039052582, IFSC कोड HDFC0000942, अकाउंट नेम क्रांतिकारी राष्ट्र संत इंद्रदेव जी RBBS। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, और धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाए। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ बड़ी गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली। एक दिन उड़े ताल के हंस लौट के फिर न आवेंगे।
एक दिन उड़े ताल के हंस लौट के फिर नहीं आवेंगे। हाँ फिर न आवेंगे, लौट के फिर न आवेंगे, फिर न आवेंगे, लौट के फिर न आवेंगे। एक दिन उड़े ताल के हंस लौट के फिर न आवेंगे। एक दिन उड़े ताल के हंस लौट के फिर न आवेंगे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु चस्का, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गणोध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उरी सच्चे दरबारी की जय हो। उरी सतगुरुदेव भगवान की जय। किशोरी सेवा धाम की जय। राधा रानी सरकार की जय। स्वामी हरदास जी महाराज की जय। परिचत जी महाराज की जय। सब भक्त ने की जय। संत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। जी हाँ, सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइएगा, शांति बनाए रखिएगा और एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोल दें, जय मां शक्ति, जय जय मां भवानी। विघ्नहरण गोरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे, तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे, अष्ट सिद्धि नव निधि लक्ष्मी मन इच्छा फलदाई रे। जी हां, इस समय शारदीय नवरात्र पर्व चल रहा है। जग जननी तू जगदम्बे मां, जग का पालन करने वाली भक्तों की रखवाली मां। इस समय हमारे ऊपर अवश्य मां का आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि कितना सुंदर संयोग है इस समय, इतनी सुंदर घड़ी में, ऐसे नवरात्रि पर्व में आप श्री के अपने श्री राधा किशोरी सेवा धाम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन के तत्वाधान में आयोजित इस छोटे से क्षेत्र जलेसर एटा उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर श्रीमद देवी भागवत कथा का अनुष्ठान होने जा रहा है। इस अनुष्ठान के प्रवक्ता हैं परम श्रद्धे परम पूज्य श्रीमद भागवत कथा श्रीमद देवी भागवत कथा के निष्णात प्रवक्ता सदगुरुदेव क्रांतिकारी राष्ट्र संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज। सर्वप्रथम इनके श्री चरणों में हम कोटि से चरण वंदन करते हैं और जितने भी वैष्णव भक्त हैं, माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग भाई बंधु धर्मावलंबी, आप सभी का भी हम सेवाधाम परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और विशेष रूप से हम आभार प्रकट करते हैं जो इस अनुष्ठान के परम यजमान है, श्रद्धेय श्रीमान सत्य प्रकाश यादव और श्रीमती विमलेश जी यादव। इनके लिए तालियां बजाइएगा, इतना सुंदर सौभाग्य इनके माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं संस्कार चैनल का, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम 183 देशों तक गुरुदेव की वाणी को पहुंचा रहे हैं और सभी इस समय सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं।
कहते हैं ईश्वर से बढ़कर कोई नाम नहीं होता और सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं होता। ईश्वर से बढ़कर कोई नाम नहीं होता और सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं होता। सांसारिक मोह में रुसवाइयां पर ईश्वर प्रेम में कोई बदनाम नहीं होता। तो ईश्वर के प्रति हमारा अगाध प्रेम, इस समय आपके पास मौका है, अवसर है परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने का, देवी के श्री चरणों में समर्पित करने का और भक्तों की अग्रिम पंक्ति में शामिल होने का हमारे पास बहुत ही सुंदर सौभाग्य है। क्योंकि आप श्री के राधा किशोरी सेवा धाम श्रीधाम वृंदावन के द्वारा विभिन्न सेवा प्रकल्प चलते हैं और उद्देश्य रहता है दीन दुखी अपाहित निशक्त निराश्रित संत ब्राह्मण सभी की सेवा लगातार चलती है। और इस धाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, जैसे गुरुदेव कहते हैं, सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। इस धाम के माध्यम से विशेष रूप से सेवा की जाती है गौओं की, तो गौ सेवा के लिए भी आप श्री सहयोग दें, आगे आए। और ये किस प्रकार से सेवाएं चलती है आइए हम आप श्री को बतलाते हैं। गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए 6 राज्यों में स्थापित की गई परमार्थ गौशालाएं लगातार चल रही है और अब ये सेवा आप श्री के अपने श्री धाम में वृंदावन में भी नवग्रह धाम परमार्थ गौशाला के नाम से संचालित हो रही है। तो इसमें आप श्री का सहयोग बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप सेवा देने के इच्छुक हैं, सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं ऐसे मौके पर, तो आप श्री एक गाय के आजीवन गुड़ रोटी सेवा के लिए 21,000 की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद हरे एवं सूखे चारे की अगर सेवा देने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप श्री 21,000 की सेवा दे सकते हैं। आप श्री अगर ऐसे मौके पर एक गाय को गोद लेना चाहते हैं, अगर गाय को गोद लेने की सेवा देने के इच्छुक हैं, अपने पितरों के शांति के लिए, पितरों के निमित्त या फिर कोई भी दिवंगत है उनकी स्मृति में आप गाय को गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप श्री 31,000 की सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा एक दिन के चारे की अगर सेवा देने के इच्छुक हैं तो 101 रुपए की सेवा है। एक वर्षीय चारे की सेवा देने के इच्छुक हैं तो 36,865 रुपए की सेवा आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न सेवाएं लगातार आप श्री के अपने श्री राधा किशोरी सेवा धाम के माध्यम से की जाती है वृंदावन के अंदर। और कहते हैं कि वृंदावन में साक्षात गोलोक श्रीधाम वृंदावन में अगर आप सेवा करते हैं या फिर निवास करते हैं तो सीधा बैकुंठ धाम को आप श्री पाते हैं। तो आपके पास बहुत ही सुंदर अवसर है। वृंदावन श्रीधाम के अंदर जो श्री राधा किशोरी सेवा धाम में सेवाएं चलती है गौ सेवा के अलावा, वो है अन्नदान अन्न क्षेत्र की सेवा, दवाइयों की निशुल्क सेवा, दवाइयां दी जाती है, और भोजन प्रसादी की थाली सेवा जो लगातार चलती है, नित्य संतों की सेवा की जाती है, दूध का वितरण किया जाता है और रोज 2,000 भक्तों को नाश्ता करवाया जाता है। यहां तक कि जो अपाहिज है, निशक्त है, निराश्रित है, उनके घर तक भी भोजन की थाली पहुंचाई जाती है। आपने ऐसा कहीं अन्यत्र जगह देखा है कि चल के सेवा की जाती है? इतनी सुंदर सेवा कहीं अन्यत्र जगह नहीं देखने को मिलेगी। तो आपके पास भरपूर अवसर है सौभाग्य प्राप्त करने का। एक थाली के लिए आप श्री 108 रुपए की सेवा दे सकते हैं। अगर आप भंडारे के लिए 108 थाली की सेवा देने के इच्छुक हैं तो 15,000 रुपए की सेवा दे सकते हैं और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व में चली आ रही है गौशालाएं परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन के अलावा भी जो 6 राज्यों में गौशालाएं चलती है उसमें भी आप श्री सेवा दे सकते हैं। शिक्षा हेतु गुरुकुल सेवा चलती है उसमें भी आप श्री का सहयोग बहुत ही महत्व रखता है। अनाथ बच्चों की परवरिश का जिम्मा भी उठा रखा है तो उसके लिए भी आप श्री सेवा अवश्य करें। संत महिला वानप्रस्थ वृद्धाश्रम एवं भक्त निवास सेवा भी चलती है उसके लिए भी आप सेवा दे सकते हैं। और वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा भी लगातार जारी है उसके लिए भी आप सौभाग्य प्राप्त करें। इलाज के लिए सेवा
इसके अलावा एम्बुलेंस की निशुल्क सेवा, ये सारी सेवाएं जो लगती चलती है ये बिल्कुल फ्री निशुल्क चलती है। और ये निशुल्क व्यवस्था इसीलिए बन पाती है कि आप श्री का आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त होता है, आप आगे आते हैं और अपने मन से जो भी आपका बन पड़ता है श्रद्धा अनुसार सहयोग देते हैं, तब ये सारी सेवाएं गुरुजी कर पाते हैं और गुरुजी के माध्यम से हो पाती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका साथ और सहयोग मिलेगा। अगर आप गौशाला के लिए, क्योंकि गौशाला का निर्माण लगातार श्रीधाम वृंदावन के अंदर चल रहा है, तो उसके लिए अगर आप भूमि दान करना चाहते हैं तो उसके लिए एक गज भूमि के लिए आप श्री 11,000 रुपए की सेवा कर सकते हैं। अगर आप श्री 5 गज भूमि दान की सेवा करने के इच्छुक हैं तो 55,000 रुपए की सेवा दे सकते हैं। 11 गज भूमि दान सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1,11,000 रुपए की सेवा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप श्री सहयोग दें। और वृद्धाश्रम के लिए अगर आप कमरों के निर्माण के लिए सेवा देने के इच्छुक हैं तो आप श्री एक रूम के निर्माण सेवा के लिए 5,51,000 रुपए की राशि समर्पित करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न सेवा प्रकल्प चलते रहते हैं। और जो अन्य जानकारियां हैं वो हम इन 7 दिनों के दौरान लगातार आप तक प्रेषित करते रहेंगे। टीवी चैनल्स के माध्यम से भी जितने भी वैष्णव भक्त जुड़े हुए हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप भी शारदीय नवरात्रा पर्व के मौके पर सहयोग देके सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आप श्री टीवी स्क्रीन पर जो कॉन्टेक्ट नंबर प्रेषित होते हैं, श्री राधा किशोरी सेवा धाम परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन के इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको जानना है, जो भी आपकी राय है वो आप पहुंचा सकते हैं। और आप जो भी सहयोग देंगे उसकी घोषणा बाकायदा इस मंच के माध्यम से की जाएगी ताकि अन्य जो सुधीजन है उनको प्रेरणा मिलती रहे। तो आशा उम्मीद है कि आपका साथ मिलता रहेगा। और वैसे भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है दान मेकम कलियुगे, कलियुग के अंदर कोई श्रेष्ठ कर्म है तो वो है दान करना। उम्मीद है आपका साथ मिलेगा। आइए चलते हैं श्रीमद देवी भागवत कथा के आज के दिवस में। एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोल दें जय मां शक्ति, जय जय मां भवानी। परमात्मने नमः सतगुरुदेवताय नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः पवित्र गौ माताये नमः सन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये शंयो रविश्रवन्तु नः ये देवानां यज्ञानां मनोरयत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवान् स्वस्तनो ब्रवसे महि देवहितं यदा
या देवी सर्वभूतेषु धैर्यरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं हाथ जोड़ के प्रणाम करो जगत माता को। हमारे हिंदू सनातन सभ्यता के इस परंपरा में इन नवरात्रियों का बड़ा महत्व है। सर्वदा ही हम भगवान के भक्त हैं, पर उन्हीं के अलग अलग रूपों की अलग अलग समय पर विशेष पूजा अर्चना हिंदू समाज में होती है। तो इस समय भगवान के शक्ति रूप का पूजन चल रहा है 9 दिन, और उसी रूप में भगवान को ही हम शक्ति माता के रूप में आज उनका ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तुम कण कण में समाय हुए प्रभु, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन प्रभु सब तेरी रचना, तुमसे आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, चरणों में स्वीकार हो प्रभु, चरणों में स्वीकार हो। शिवाय ओम नमः शिवाय।
यात्रा में सम्मिलित हुई माताएं जलेश्वर जिला एटा के इस पावन धरती से इस परम पावन भारत की भूमि पर संपूर्ण हिंदू सनातन संस्कृति में इस समय देवी नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। ज्यादातर घरों में देवी स्थापित हैं और फिर ऐसे परम पावन समय में भागवत देवी महात्म की कथा श्रवण करने का सुनहरा अवसर देवी के भक्तों को भगवती ने प्रदान किया। ऐसे सभी भक्त यहाँ विराजमान स्थापित किए हुए भगवान श्री गणेश, देवी माता, देवी भागवत ग्रंथ और पूरे परिसर और क्षेत्र के सभी देवता,
इस महान देवी भागवत आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान आदरणीय सत्य प्रकाश जी और साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिमलेश जी यादव परिवार और उनके सभी परिवारिजन रिश्तेदार और सभी क्षेत्रवासी ग्रामस्थ हमारे संगीत और संस्कार की सभी टीम बाहर से आए हुए सभी भगवती के भक्त श्रोता संस्कार टीवी के माध्यम से जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों देवी महत्तम सुनने के लिए जो बड़े लालायित और इंतजार में थे आज वो सुनहरा अवसर उन भक्तों के लिए इसलिए एक बार सबका स्वागत सबको बहुत बहुत आभार और सबका धन्यवाद सबको प्रणाम करते हैं जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय देवी भागवत महापुराण की जय भारत माता की जय गौ माता की जय यजमान परिवार की जय सब श्रोताओं की जय देवी महोत्सव की जय हो नवरात्रियों की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव नवग्रह धाम की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो किशोरी सेवा धाम की जय हो परमारथ गौशाला की जय हो जय जय श्री राधे बंधु और बहनों बड़े उत्साह से बड़े लगाव से बड़ी श्रद्धा से नवरात्रियों की देवी भागवत कथा की बड़ी इच्छा थी और बड़ा उत्साह था आज वो दिन भगवती ने हमें दिखाया और हम उनके अनुष्ठान से जुड़ चुके हैं समय के साथ परिस्थितियों के साथ धैर्यपूर्वक भगवान के कार्यों को पूरा करते हुए चलना चाहिए ऐसा सोच कर ये कथा प्रारंभ हो रही है भगवती की इच्छा से ही आज हम सब लोग यहां बैठे हैं क्योंकि महापुरुषों का मानना है उनकी इच्छा के बगैर कुछ कार्य आंख पलक झपकती नहीं आपने देखा होगा कि आदमी मरा पड़ा रहता है आंखें रहती हैं पर पलक नहीं मरते मरे हुए आदमी के देखो दांत भी रहते हैं हाथ भी रहते हैं और फ्रीज में फल फ्रूट भी रहते हैं पर वो खा नहीं सकता उसकी गति शांत हो जाती है और जिनकी गति शांत हो जाती है उनको सिर्फ कर्म का फल ही भोगना पड़ता है फिर दूसरा अवसर उन्हें नहीं मिलता
ये कथा पूरे 9 दिन चलनी थी, पर समय अभाव के कारण 7 दिवसीय कथा का आनंद लेंगे। पर अच्छी बात यह है कि यह कथा लास्ट की नवरात्रियों तक चलेगी, इसलिए बहुत संपूर्ण पुण्य को देने वाली होगी। देवी भागवत के अनेक महत्व महिमा में सुनाऊंगा। भगवती माता जगदम्बा वो महत्व कहां सुनेंगी पूरी, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। भगवती का ये प्रारक्त स्वरूप, आज मंडूक देवी की पूजा हो रही है समस्त भारत में। आपने देवियों के अलग अलग रूप अपने मोबाइल पर पूरी दुनिया से तस्वीरें आती हैं, लोग अपने अपने वीडियो बना के भी छोड़ते हैं। अपनी अपनी देवियों के स्वरूप का दर्शन कराते हैं आपको। हम क्यों कथा करें, हम क्यों अनुष्ठान करें, इतना खर्चा क्यों करें, क्या मिलेगा ऐसा करने से? क्योंकि कथाओं में आजकल बहुत खर्चा होता है। पर कथाओं का विस्तार और प्रचार भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, टेलीविजन के साधन से, सोशल मीडिया से सब लोगों तक बातें पहुंचती हैं। अच्छी बातें जाती हैं, वैसे ही कुछ बुरी बातें भी जाती हैं। पुराने समय में अपराधी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होता था, और कोई महान व्यक्ति भी बहुत प्रसिद्ध नहीं होते थे, क्योंकि साधन कम थे प्रचार प्रसार के। अब आप अच्छा करो तो भी ज्यादा जनता को पहुंचता है, आप कुछ बुरा कर दो तो भी जनता तक पहुंच जाता है। हमारा प्रताप, हमारा पुण्य कितना है, उससे ही हमारे उत्सव, हमारे कार्यक्रम, हमारी पूजा सफल होती है या विस्तार पूर्वक होती है या व्यवस्थित होती है। हमारे पुण्यों में कोई कमी रह जाए तो हमारे अनुष्ठान का भी विस्तार कमजोर पड़ जाता है, हमारी भक्ति फीकी पड़ जाती है। धन उतना ही खर्च होता है, केवल नियोजन बिगड़ता है। क्योंकि हमारे जीवन में जब कोई पिछले जन्मों का पाप उदय हो जाता है तो हमारा पुण्य शांत हो जाता है और हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में आयोजन नियोजन चले जाता है कि फिर जो असमर्थ पड़ जाते हैं काम को करने में, समय भी साथ नहीं देता, प्रकृति भी साथ नहीं देती। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बीमार आदमी को हम ले जाते हैं, वहां पर भी आदमी मर जाता है। लेके तो हम इसलिए जाते हैं कि वो बच जाए, और वहां पर बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, योग्य डॉक्टर है। पर किसी किसी आदमी को वहां से भी लाश ही मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, मरा हुआ व्यक्ति मिलता है। साधन भी आदमी के जीवन में झूठे पड़ जाते हैं, जब पुण्य कम पड़ जाता है तब। और जिनके पास में पुण्य है, सेवा है, दान है, भजन है, कृपा है, तो उनके बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाते हैं। आज ये जो कथा है ना,
ये हमारी बिमलेश जी जो हैं उनका कोई पूजा पाठ और कोई पुण्य जो है काम कर रहा है, इसलिए शुरू हुई ये कथा, प्रारंभ हो पाई है। और इसी में हम सब जुड़ गए। अब इसका पुण्य सबको लाभित करेगा, सबके जीवन में, जो भी यहाँ पंडाल में है, कथा में, टीवी पर है, सबके पुण्य का विस्तार होगा। क्योंकि पानी से पानी मिलता है तो प्रवाह बढ़ जाता है। बारिश में एक घर के पानी से नाले नहीं बहते, अनेक घरों से छत से पानी गिर गिर के इकट्ठा होता है, बहता चला जाता है और उसका फ्लो बढ़ता है, प्रवाह बढ़ता है, उसकी धारा बढ़ती है। और बंधुओं, वही धारा नदी में परिवर्तन कर लेती है, फिर वही बाढ़ बन जाती है और वही बाढ़ धीरे धीरे सागर का रूप धारण कर लेती है। हो सकता है कि हमारे यजमान सत्य प्रकाश जी, बिमलेश जी, उनके पुण्य की वो छोटी सी धारा ही आप सबके पुण्य के साथ जोड़ करके बड़ी प्रवाह में गति को प्राप्त करके एक सुंदर सा भक्ति का सागर पैदा कर दे। क्योंकि एक से एक जब हम मिलते हैं तो सागर का रूप धारण कर लेते हैं। यही शास्त्रों का मानना है, सत्संग का यही मानना है। मुझे जो सवाल आपके सामने रखा था वो सवाल पीछे रह गए, उसे लाते हैं और चर्चा करते हैं उस पर। थोड़ा सार्प कर दो आवाज, बहुत बुरी आवाज। दुर्गा माता के श्री देवी भागवत महापुराण की जय। कभी कभी बहुत पीछे के दिन याद आ जाते हैं, तो आज की कथा से 36 साल पुरानी कथा याद आ गई। जब हम कथा सीख रहे थे, छोटे विद्यार्थी थे गुरुकुल के, उस समय का दृश्य पूरा दिख रहा। बड़ा सौभाग्य है ऐसा दर्शन 36 साल पुराना आज हुआ। क्योंकि एक गीत गाते हैं हमारे ये कुछ गायक लोग, एक पंक्ति गाते हैं उसकी। मेरा ही कोई पुण्य या कोई पाप उदय हुआ है जिससे 36 साल पुरानी चीज दिख रही है, नहीं तो कहां दिखती है पुरानी चीजें आजकल। जो बीत गए दिन अरे भैया माइक तो चलने दे कम से कम, चला है? अब थोड़ा तो छोड़ो, कहीं कुछ तो चलने दो। माइक की अब बचा है बस, और कुछ है नहीं, तो उसको भी नहीं चलने दे रहा, मरोड़ मरोड़ी में लगा हुआ। आते आते हैं नए लोग पुराने।
जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते, आते ही नए लोग आते जमाने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए, पड़ोसी भी वहाँ आ पड़ोसी भी वहाँ बुझाने नहीं आते। अरे जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते, आते जमाने नहीं आते। भैया इंस्पेक्टर साहब, ये साउंड वाला भी ये कह रहा है कि कल सही करूंगा साउंड, अब बताओ कथा में कैसे आज करूं फिर। अब साउंड वाला भी कल का कह रहा है, वो भी कल का बोल के गया कान में, अभी टेंट वाला भी कल का ही कह रहा है, आयोजक भी कल का कह रहा है, मैंने गलती कर दी आज आके। आते नए लोग पुराने नहीं आते। देखो इस भजन को मैंने इसलिए गाया है, ये मेरा भजन नहीं है, ये दूसरों का भजन है, मैंने गाया, ये गुस्ताखी है, पर समझाने के लिए किसी किसी का सामान जो है हमें दर्शन कराना पड़ता है।
आज जो है 36 साल पुराना जमाना लौट के वापस हमारा आया, तो ये भजन झूठा सा हो गया। कभी कभी पुरानी चीजें मिल जाती है महाराज, आपने देखा होगा कई लोगों ने घर बनाया, नीम खोदी घर बनाने के लिए, तो उसमें 100-200 साल पुराना सोना चांदी जमीन में से कलशों में भर भर के खुद के निकल आता है। तो कभी कभी बहुत बहुत पुरानी चीजें भी हमारे जीवन में दर्शन कराती रहती हैं, और ये सब होता पुण्य और पाप के कारण है। क्योंकि आदमी के सम्मान का, प्रतिष्ठा का, भक्ति का और उसके सम्मान में वृद्धि हो रही है, उसके यश में वृद्धि हो रही है, तो जरूर कोई पुण्य उदय होता है। तो ये दोनों बातों पर आज चर्चा करते चलेंगे, और आज का जो सत्र है उसका मंगलाचरण करेंगे। अब कथा शुरू करते हुए हम एक दृष्टांत सुनाते हैं। कथा यह है कि ये कथा हम क्यों करें, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इतना खर्चा क्यों करें, इतने पैसे उड़ जाएगी पैसे की, जो बैंक में दिख रहा होगा यजमान के वो दिखेगा नहीं कल परसों, वो दूसरे खाते में ट्रांसफर होगा, बड़ा नुकसान है पैसे का। तो ये सारी दुनिया जितनी कथाएं हो रही हैं बड़ी बड़ी, करोड़ों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, तो क्या ये लोग अंधविश्वासी हैं कि मूर्ख हैं कि अज्ञानी हैं कि सचमुच ज्ञानी हैं? क्यों ये जनता इतना खर्च करती है, क्यों हम लोगों को बुलाती है? और कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चा करके भी महात्मा संतुष्ट नहीं होता, तो करो न करो बराबर, पैसे भी जाएं और संतुष्टि भी ना हो, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पर फिर भी महात्मा इंद्रदेव कहते हैं, हिम्मत ना हारिए, राम ना बिसारिए, हंसते मुस्कराते हुए जिंदगी गुजारिए। समय कैसा भी हो, समय का, परिस्थितियों का सामना करना और अपने कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना, जो मैं तो कर रहा हूं। सारी दुनिया इसलिए खर्चा कर रही है क्योंकि लोग सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बड़े बड़े आचार्य, पंडित, शास्त्री, महात्मा कथा सुनाते हैं, टेलीविजन के माध्यमों से घर पहुंचाते हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे आदमी का माइंड जो है परिवर्तित हो जाता है, और उनके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि हम भी कथा करेंगे। क्यों? मैंने अभी दो बात कही, एक तो हम क्यों कथा करते हैं, इतना पैसा क्यों लुटाते हैं, और दूसरी बात मैंने ये कही कि हम इसका डबल तिबल भी कर सकते थे व्यापार बिजनेस में लगाकर। पर बंधुओं, आप इस कथा के पैसे से प्लॉट, मकान, बंगला खरीद कर 10 साल में उसे बेचकर डबल कर सकते थे, पर आप जो भी डबल तिबल 100 गुना भी धन करते, आपके मृत्यु के समय वो आपके साथ में रहने वाला नहीं होता, वो यहीं रह जाता है, चाहे वो 100 गुना क्यों ना हो जाए,
वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो धन संसार में छूट जाता है मरने के बाद, उस धन पर हमारा अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। ये संसार किसी का नहीं, यहां हर एक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बेटा मां को उल्लू बना रहा है, बहू सास को उल्लू बना रही है, बच्चे दादी को उल्लू बना रहे हैं, और दादी पोते को उल्लू बना रही है। सब उल्लू बन रहे हैं और बना रहे हैं। अच्छा, उल्लू बनाने के बाद कुछ देर लोगों को क्या लगता है? हम सफल हो गए, हम जीत गए। किसी को बहका ले बस, किसी को पटा ले, हां में हां करवा ले, फिर लगता है हम जीत गए। क्या कहते हैं जलेसर के लोग? चार दिन की चांदनी तेरे अंधेरी रात है। ये जलेसर के लोग कहते, मैंने यही सुना कि कल, पहले से मालूम नहीं था मुझे ये कहावत। ये जो थोड़ी देर की जो सफलता है, इसके लिए ये चार दिन की चांदनी की कहावत बनी है। हम थोड़ी देर किसी को भ्रमित कर लें, उल्लू बना लें, अपनी कुछ चालाकी कर लें, कुछ हम बचाने की कोशिश कर लें, उससे औंधे मुंह गिरते हैं आकर, कुछ नहीं मिलता। ये तो संत है, साधु है, इसलिए समझो। बाकी खाली पंडित जी और शास्त्री जी होते तो नहीं होता कुछ, क्योंकि संत का जो हृदय है, जो असली संत है, वो इसी प्रकार की लीलाएं करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि संत क्या क्या सहन कर सकता है। कर्मम विभूषित करम यावते तद लक्षणम। महात्मा इंद्रदेव अब शुरू हो गए अब ध्यान करना, अब बदलते जाएंगे, समय बदलेगा, माहौल बदलेगा, आपकी भी दिनचर्या बदलेगी। काफी देर से इंद्रदेव महाराज व्यासपीठ पर थे पर बोल नहीं रहे थे, इसीलिए कुछ लोग आए और कुछ चले गए, कुछ कलश यात्रा में थके थे, बाथरूम साथरूम जाना होगा तो चली गई बहन बेटियां, कुछ लोग चले गए, भूखे होंगे सुबह से। एक समय एक राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और अकाल के बाद भजन ध्यान लोगों ने किया, पूजन किया, बहुत वर्षों के बाद में बहुत जोर से बारिश भी आई, और बारिश आई तो किसान प्रसन्न हुआ, समाज में खुशहाली आई। पर दुख इस बात का है कि अब बीज खेत में बोने के लिए किसी किसान के पास नहीं था, अकाल में सारा अनाज खत्म हो गया। सारा किसान इस बात से परेशान कि बीज बोए तो बोए क्या, कुछ भी नहीं। तो कोई कोई किसान अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए, वहां से कुछ बीज ले आए, बो दिया, हरा भरा हो गया। एक किसान ऐसा गांव में था कि बड़ा स्वाभिमानी, वो अपने रिश्तेदारों के यहां नहीं गया। उसने कहा अपनी पत्नी से कि भगवान ने अकाल दिया, भगवान ने बारिश दी तो बीज भी देगा, मैं नहीं मांगूंगा किसी के पास। पत्नी ने कहा कि आप बड़ा अभिमान कर रहे हैं, आप अज्ञान। अरे बैठे ठाले भगवान कैसे, आप कहीं जाइए, पुरुषार्थ करो, कहीं मांगो, कल वापिस कर देंगे डबल। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जरूरत के हिसाब से मांग रहे हैं, और हम वापिस करेंगे, नहीं जाऊंगा।
पति और पत्नी बंधुओं दोनों चर्चा कर रहे थे, तभी पत्नी और पति की नजर चूहा पड़ा। चूहे का पीछा करते हुए किसान वहां पहुंचा जहां चूहा घुसा। किसान बड़ा चतुर था, चूहे का घुसते देखा भिट में। किसान ने सोच लिया कि अकाल में भी चूहा अगर भिट में घुसा है तो इसमें दाना जरूर होगा, क्योंकि चूहा वहीं रहता है जहां अन्न हो, भोजन। तो किसान ने भिट को खोदा, दो चार फुट खोदा, कुछ नहीं मिला। पर किसान को पूरा ज्ञान था इस बात का कि जरूर होगा, क्योंकि चूहा भूखा नहीं रह सकता और बरसों अकाल पड़ा है तो चूहा यही क्यों है। तो कहते हैं परमात्मा किसान के साथ था, स्वाभिमान के साथ। खोदता चला गया, किसान को टुकड़े दानों के मिलते चले गए, साबुत दाना नहीं मिला। चूहे ने जो काट के खुतड़ के डाल दिए थे, घुना सड़ा सब मिला। किसान ने सोचा कि जब से कुछ था ही नहीं, अब कटा टूटा मिला तो सही, भगवान के नाम लेकर के मैं इसी को बो देता। वैसे विज्ञान कहता है कि जो दाना कटा हुआ है घुना हुआ है वो उगता नहीं है, पर किसान ने भगवान का भरोसा लिया और घुना हुआ कटा हुआ टुकड़े बुकड़े जो भी था वो सब बो दिया। ऐसी मेहरबानी हुई ठाकुर जी की कि मक्का के दाने जितने कटे टूटे बोए सब खेती में उगाए, और खेती हरी भरी और लहलाने लगी, और खेती में भुट्टा भी उत्पन्न हो गया। पत्नी ने कहा देखिए पूरे गांव में लोगों ने अलग अलग बोया है, सबने धान किए और तुमने मक्का बोई है, और धान को ये चिड़िया वड़िया खाती नहीं और तुम्हारी मक्का को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि चिड़िया को मक्का बहुत पसंद है और पूरे गांव में आपके ही खेत में है इसलिए पूरे गांव के पक्षी आपको खा जाएंगे। तो क्या करें, तो कहां जाओ खेत पर रखवाली करो। अहम दृष्टिम तदम व्याप्तम ये वे याज्वल्कय मनोरक्षां ब्रह्मचेष्टां बृहदो कर्म भूषणम्। दृष्टांतकर्ता लिखते हैं, किसान ने बीच खेत में मैरा बना लिया, मंच बना ली, और दिन भर पत्थर इकट्ठे करता, मंच पर रखता, और चिड़िया उड़ाने के लिए हाथ से फेंकता, और जब दूर नहीं फेंकता तो गोपी में घुमा घुमा कर फेंकता। बार बार पत्थर खत्म हो जाते, फिर बीनता, फिर फेंकता। कुल मिलाकर के दिन भर चिड़िया उड़ाने के चक्कर में भूखा प्यासा लगा रहे। कई दिन हो गए, किसान के शरीर में पसीने की बदबू हो गई, नहाया धोया नहीं कई दिनों से। आज किसान का मन हुआ कि चलो बलगल में नदी बह रही है, आज कपड़े धो लें नहा लें, और सुबह सुबह 3 बजे चिड़िया नहीं आएंगी, जल्दी नहाने चला गया बंधु। पूर्णमासी का दिन, चंद्रमा जोर से निकला हुआ, जैसे नहाने नदी पर पहुंचा, पर्वत के बगल में जैसे दुबक लगाने की कोशिश कर रहा था, किसान को अचानक चंद्रमा की चांदनी में पर्वत पर कुछ चमकता हुआ दिखा। किसान का मन पलट गया, नहाना बंद कर दिया और सीधा पर्वत पर चढ़ा। किसान ने हाथ से ऐसे ऐसे साफ किया और चमका, और साफ किया और चमका। किसान ने उसे हिलाकर देखा तो हिल गया, और जोर से खींचा तो कलश जैसा कुछ पात्र निकला, और किसान उसे बैठ कर देखने लगा। उसके ऊपर ढक्कन लगा था, उसे खोला, किसान ने देखा कि उसमें चमकते चमकते सफेद सफेद पत्थर भरे हुए हैं। दरअसल में उस कलश में हीरे भरे थे, पर किसान पहचान नहीं रहा था हीरों। जब किसान हीरे पहचान नहीं पाया तो किसान बड़ा खुश हुआ। किसान ने कहा कि आज तो मेरी भगवान ने सुन ली, चिड़िया उड़ाने के लिए आज मुझे जगह जगह से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा पत्थर कंकड़, भगवान ने बिल्कुल कंपनी से बना के प्लेन भेजे दूर तक जाएंगे। पूरे कलश को उठाकर ले गया, मंच पे रख लिया। बृहद भासौ यथा वासां
एक हीरा निकाले किसान, गोपी में रखे और जोर से घुमाकर फेंके, दूर तक जाए चिड़िया तो उड़ जाए, क्योंकि हीरा भी पत्थर नुमा होता है। शाम तक सारा कलश खाली कर दिया किसान ने, एक भी हीरा उसके पास शेष नहीं बचा, सारे हीरे खत्म हो गए। क्या पता कैसे किसान की नजर से कोई एक हीरा उसकी मंच पर गिर गया और गुदड़ी में फंस गया, जो हीरा दिखा नहीं किसान को और वो बच गया। दोपहर को पत्नी आई भोजन लेकर के किसान की, और साथ में 5 साल का बच्चा लाई। पत्नी भोजन कराने बैठ गई पति को, बच्चा पिताजी के मंच पर चढ़ गया, खेलने लगा। बच्चे को पैर के नीचे वो पत्थर आया तो बच्चे ने देखा गुदड़ी को हिलाकर, सफेद रंग का चमकना पत्थर बच्चे को लगा, तो बच्चे ने सोचा भाई मजा आ गया, कंचा है ये तो कल खेलूंगा बच्चों के साथ, कंचा मिल गया। तो उसने उसे कंचा समझ लिया, गोली समझ लिया खेलने के लिए, उसने जेब में रख लिया, माँ बाप को नहीं बताया, बड़ा खुश, पहचान बच्चा भी नहीं पाया। घर पर माँ और बच्चे पहुंचे, देखा माँ ने घर पे नमक नहीं है शाम के भोजन के लिए, बच्चे से कहा पुत्र जाओ उनकी दुकान से नमक ले आओ, माँ लाओ पैसे, पैसे तो घर में थे ही नहीं अकाल में। माँ की नजर पड़ी बच्चे के हाथ में जो हीरा लगा था, पत्थर सफेद रंग का। माँ ने सोचा बच्चे, पुराने जमाने की कथा सुना रहा हूं, जब बांट पत्थरों के हुआ करते थे तब की कथा। माँ ने कहा कि लग रहा है 25 ग्राम 10 ग्राम का बांट तो है, ये बनिया को दे देना, इसके बदले में जो भी बनिया दे दे, एक दिन का भी नमक मिला तो क्या कम है, लेके आओ। बालक उस पत्थर को लेकर बनिया की दुकान पर नमक लेने गया, बनिया से नमक माना, दुकानदार ने नमक दे दिया, दुकानदार ने पैसा माने, बच्चे ने वो पत्थर रख दिया सामने। दुकानदार को गुस्सा आ गया, नमक छिना लिया और पत्थर को फेंक के मारा गली में, पागल हो गया, मूर्ख हो गया, पत्थरों से सामान बिकता है क्या, मूर्ख बनाने आया है। पत्थर गली में लुढ़कता हुआ जा रहा था, सामने से साइकिल पर एक सुनार आ रहा था, अहम पश्यौन नेत्रम गति द्वयताम दृष्ट समारंभम, जौहरी की नजर पड़ी लुढ़कते हुए पत्थर पर, जौहरी ने साइकिल रोक ली और पत्थर को उठाया अपनी जेब में रखा और बच्चे से कहा लो सामान लो दुकान से, तुम्हें जितना लेना है, दाल आटा मिर्ची मसाला तेल घी नमक सब्जी भाजी सब दिलवा दिया सुनहार ने, और ऊपर से पैसे दे दिए 100 रुपए। बच्चा थैला भर करके पोटली सिर पे रख के घर पहुंचा और साथ में पैसे भी लेके पहुंचा, माँ को दिखाया, माँ खुश हुई। माँ ने पूछा ये कैसे हुआ चमत्कार, किसने दया कर दी, तो कहा मम्मी ऐसा ऐसा हादसा हुआ, मैंने पत्थर रख दिया था दुकानदार को, उसने गुस्से में फेंक दिया पत्थर को, नमक नहीं दिया था, पर एक साइकिल पर व्यक्ति आया वो पत्थर जेब में रख के ले गया और उसके बदले में इतना सारा सामान और ये पैसे दे गया, और कह गया है कि जब भी खत्म हो जाए घर में तो सीधा आना हमारे पास, हम और दिलवाएंगे और दिलवाएंगे। आज घर में खीर पूड़ी कचौड़ी बनी महाराज, बड़े दिनों के बाद किसान की पत्नी ने पकवान बनाया है, भोजन लेकर के बड़ी सी थाली में स्वामी को खेत पर पहुंची। 10 साल से अकाल और सूखी रोटी खाने वाले को अचानक 56 भोग मिले तो टेंशन में आ गया किसान। किसान को शक हो गया कि हो न हो मेरी पत्नी ने कोई दोस्त यार बना लिया है, कहो बनिया से दोस्ती कर लिया। और आप जानते ही हैं गरीबी में बहुत कुछ हो सकता है,
किसान का शक भी था, पर जैसे किसान ने ये बात पत्नी से पूछी, बता तूने क्या गलती की है, ये धन आया कहां से, दूध आया कहां से, घी कहां से। किसान की पत्नी ने अपने ऊपर आरोप लगे कुछ ज्यादा सोचे मेरे पति मेरे बारे में, उससे पहले ही सब बता दिया। स्वामी हम कल आए थे, बच्चा साथ में आया था, आपके ऊपर मंच पर एक गोल सा कांच का टुकड़ा मिला, उस टुकड़े को लेकर बच्चा चला गया। मैंने घर नमक लेने भेजा दुकान पर, दुकानदार ने वो नमक दिया नहीं, बच्चे ने वो पत्थर दिया नमक के बदले पर, उसने फेंक दिया। उस पत्थर को कोई साइकिल वाला आकर उठा कर ले गया और उसके बदले में उसने ढेर सारा किराना, ढेर सारा घी तेल और ऊपर से 100 रुपए और हर महीने किराना भरने के लिए कह के गया है। महाराज ये ऐसा चमत्कार हुआ। जैसे ही बंधु किसान ने उस पत्थर के बारे में पत्नी से चमत्कार सुना, किसान माथा पकड़ पकड़ करके माथा रोने लगा, माथा पटक पटक के फोड़ने लगा। दुहितम दृष्टो न भावस्य कर्मम। किसान इस बात को रो रहा है कि एक पत्थर में इतनी करामात है, मैंने लाखों करोड़ों पत्थरों को केवल चिड़िया उड़ाने के लिए फेंक दिया है। आज वो सारे के सारे कलश में भरे हुए पत्थर मेरे पास होते तो पूरे क्षेत्र में नंबर वन में होता पैसे वाला, पर उस पत्थर में क्या करामात है वो किसान समझ नहीं पाया। किसान लौटा घर पर और उस सुनार का पता ढूंढने लगा। ढूंढते ढांढते सुनार को ढूंढ ही लिया और वो पहुंच गए सुनार के पास। सुनार से पूछा, सेठ बताओ मेरे बच्चे ने जो पत्थर गली में फेंक दिया, बच्चे के हाथ से लेकर सेठ ने, उस पत्थर में क्या करामात है बताइए, आपने उसके बदले इतना धन दिया। सुनार ने कहा, अरे मूर्ख किसान तुम नहीं जानते, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, हीरा। किसान और जोर जोर से रोने लगा, माथा फोड़कर, बड़ी गलती हो गई। कभी कभी गलती महाराज ऐसी सबसे हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, आदमी शीशा को हीरा समझ लेता है, हीरे को शीशा समझ लेता है, उसकी बुद्धि में यही रहता है, सबको एक ही तराजू में तोलता रहो, ऐसी व्यवस्थाओं में लग जाता है। अरे कम से कम अंतर तो समझो, हाथी और बकरी का, हाँ ये मैं जानता हूं कि कोई गाय 20 लीटर दूध देती है, कोई आधा लीटर दूध देती है, होती दोनों गायें हैं, पर बहुत अंतर है। आप एक जैसा सोचेंगे और एक जैसा करेंगे तो अंतर समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपकी महिमा भी समाप्त हो जाएगी। पर हीरा की महिमा समाप्त नहीं होती है, वो फेंका गया, डाला गया, उसके प्रति लोगों ने ना समझी कि अपनी बुद्धि में समझ नहीं रखी, उसकी महिमा को समझा नहीं, उसे पत्थर समझकर केवल यूज करना चाहा, तो भी उसका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, पर जो मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। किसान ने चिड़िया उड़ाने में फेंका, पत्नी ने नमक खरीदने में फेंका, दुकानदार ने सामान की कीमत कम समझी इसीलिए फेंका, पर जोहरी ने समझा तो गले से लगा। एक हीरा की वजह से किसान की दरिद्रता और गरीबी दूर हो गई, क्योंकि वो हीरा सदुपयोग और सही हाथों में चला गया। बंधुओं इसीलिए महात्मा इंद्रदेव आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों, पूरी दुनिया के लोगों, पंडाल में बैठे हुए सभी भक्तों, ये जो किसान है वो कौन है, तो कहा किसान मैं हूं और आप हैं, और हम सबको हृदय रूपी कलश भगवान ने दिया है, और उस कलश में अनमोल, जिसकी कीमत जगत में कोई नहीं दे सकता, ऐसी भगवान ने अकृमित कीमत जिनकी है, ऐसी अनेक श्वास भरी हैं, और वो सारी श्वासें हमने
संसार के इन्हीं चिड़ियाओं के, इन प्रपंचों के और संसार की रखवाली के लिए हमने अपनी कीमती सांसों को फेंक दिया सामान के लिए। बंधुओं, ईंट पत्थर मकान दुकान ये सब सामान है और इस सामान को पाने में बटोरने में हमने अपनी सांसों को व्यर्थ फेंक दिया, हमने उनकी कीमत समझी ही नहीं। अंतिम समय व्यक्ति का जब चल रहा होता है ना बंधुओं, और वो मरते समय कुछ बता के नहीं जाता घर वालों को, और वो घर वालों को पता चल जाए कि इनका बहुत सारा पैसा ब्याज पे उठाए पर पता नहीं कहां कहां उठा है, तो लोग सारे चाहते हैं कि पिताजी एक मिनट एक सेकंड के लिए जिंदा हो जाएं, दो श्वास और भगवान दे दे, भगवान को हम 10,000 रुपए चढ़ाएंगे 15,000 चढ़ाएंगे। पर बंधु आप जानते हैं, माँ रोती है बेटे के लिए डेड बॉडी पर, माथा पटक पटक के, पत्नी रोती है पति की छाती पर, और रो रो कर क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, एक बार बोल सुनाई दियो, खाली एक बार कह दियो कि तुम बेटी के ब्याह में रहेंगे, तुम्हें कन्यादान करना, एक बार कह दियो। चूड़ी हरी तोड़ दे चाहे लाल तोड़ दे, वो अब एक बार कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी कहावतें दृष्टांत संसार में समझाने के लिए बने हुए हैं। क्या करना चाहिए तो सुनिए, जलेसर के लोग महात्मा संत क्या बता के गए हैं कि श्वास श्वास में राम कहे और व्यथा श्वास मति खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो इन हो, तो क्या करना चाहिए भी? एक भजन गा लेंगे भाई, इनको समझाने के लिए भजन जरूरी है, है? इंद्रदेव का भजन आप ऐसे समझो जैसे एंटीबायोटिक कोरोना में गोली। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे तेरी, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
कैसे जीवन बीत जाता है पता नहीं चलता बंधुओं। बालपन भी बीता तेरे जवानी भी बीती, बालपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती, बालपन भी बीता तेरे जवानी भी बीती, बालपन बीता तेरा जा रही है उमर धीरे धीरे।
सांसों की कीमत समझ में जिनके नहीं आती है वो धनुष की तरह मुड़ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और जीवन भर जो न किया उसके लिए फिर पछताते हैं। और आप जानते हैं बड़ी बड़ी महात्मा संतों ने विद्वानों ने हमारे समझाने के लिए मुहावरे बनाए, कहावतें बनाई हैं, श्लोक बनाए, मंत्र बनाए, कथाएं बनाई हैं, ग्रंथ बनाए हैं, पुराण बनाए। राम नाम लियो नहीं कि राम नाम लियो नहीं और ना कियो हरि से हेत फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये संतों की कहावत है, ये हमारे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास इन्होंने बड़ी बड़ी मेहरबानी की है मनुष्य समाज के ऊपर। हरि से कियो न हेत, इसलिए बंधुओं एक श्वास की कीमत मुक्ति हो सकती है आपकी, और ये मुक्ति पैसों से नहीं मिलती है बंधुओं। मुक्ति तब ही मिलती है जब हम उसके पात्र होते हैं। और मुक्ति के पात्र हम कब बनते हैं? जब हमारे अंदर पूर्णतः श्वास श्वास में भगवान, भगवान की लीला, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति लगाव और निकटता हमेशा बनी रहती है, तो हम मुक्ति के पात्र हो जाते हैं। दुहितान कृतम पात्र दोषस्य मूलम तांबा 7000 रुपए किलो है तांबा, और तांबा जब सोने की संगति करता है तो 56 लाख रुपए किलो हो जाता है, है? संगति के कारण। और बढ़िया बात देखिए, बढ़िया बात यह है कि जो खरे होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, वो तांबे जैसी चीज को अपने आप में मिला भी लेते हैं। सोना तांबे को मिला लेता, लोहे को नहीं मिलाता, क्योंकि लोहे के अंदर बड़ा दोष होता है काई पकड़ने का, जो तांबे के अंदर होता नहीं है। तांबे के अंदर काई पकड़ने का दोष नहीं है, इसीलिए तांबा जो है वो डोरियों में, तारों में, वायरिंग में, इसमें पाया जाता है, मोबाइल में, रेडियो में, टीवी में, सब जगह उसकी वायरिंग होती है, क्योंकि वो कार्बन नहीं पकड़ता तांबा, इसीलिए सोने के साथ में मिक्स हो जाता है। और जब वो मिक्स होता है तो सोने का संग पाकर बड़ा महंगा हो जाता है, बड़ी कीमत हो जाती है। ऐसे ही आपको भी कोई सोने जैसा कोई संत, कोई महात्मा मिले तो अपने आप को तांबा जैसा बनाकर मिक्स कर दो तो तुम्हारी भी महंगाई बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, मोल बढ़ जाए। अः बिन मोल बिक रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, यहाँ थूक वहां थूक, ये गुटखा वो तम्बाकू वो शराब वो अंडा वो मंडा वो क्या वो को, घर के घर बर्बाद हो गए, जलेसर तहसील पूरी मिट्टी पड़ी है महाराज। आया तो मैं उसी के लिए हूं, पर करूं क्या, बंदूक में जंग लगी पड़ी है, निशाना तो लगाना बड़ा अच्छा आता है, हाँ? बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोगों में ये कहावत है, सुनिए ना, कहावत ये है कि सही सांझ के मरे को कहां तक रोऊं, पूरी रात भर तो आदमी जवान को भी ना रो सके महाराज। पर चिंता ना करो,
एक व्यक्ति के पुण्य से पूरी की पूरी नाव पलटने से बच जाती है और एक आदमी के पाप से पूरी नाव डूब जा जाती है। तो आप और हम सब में भी कोई पुण्य आत्मा ऐसा है जिसकी वजह से नाव चल रही है, चल रही है, चल रही है, नहीं तो सूटकेस भर के भी देते ना तो भी नाव नहीं चलने वाली थी। बस किसी का पुण्य काम कर रहा है। आज आज भर और इस पुण्य से और कोई पुण्य प्रकट हो जाएगा तो महाराज बढ़ता जाए कारवा। मैं चाहता हूं यही भावना है कि कम से कम 1000-2000 क्षेत्र के लोग सुधर जाएं। कुछ लोग अंडा छोड़ दें, कुछ दारू छोड़ दें, कुछ गुटखा छोड़ दें, जिससे माँ को शांति मिले, पत्नी को शांति मिले, बच्चों की फीस भरे और घर में छत टपक रही है उस पे रिपेयरिंग हो, मोटरसाइकिल खटारा हो गई है नई आ जाए। पर ये जुआ और शराब पीने वाला ये सब सौभाग्य घर को देता नहीं है, बस आंसू रुलाता रहता है सबको। पर बड़ी मुश्किल है, इसलिए बंधुओं अपनी श्वास की कीमत को समझो। और हमें भगवान ने संग किसका दिया है उस संग को भी समझो। ऐसे महात्मा साधु गुरुजी बहुत हुए दुनिया में, पर हमारे गुरु कौन है, हम कथा किनसे करवा रहे हैं, इसकी महिमा दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। अगर आपने उनकी महिमा को कम कर दिया तो समझना हर चीज कम होती चली जाएगी। है? अच्छा बोलिए, ये क्या है मेरे सामने व्यासपीठ पे क्या रखा है? मिट्टी की मूर्ति, पानी पड़ जाए तो गल जाएगी, ये दुर्गा माता। पर हम दुर्गा की महिमा को मानते हैं दिमाग में, इसीलिए मिट्टी को भी हम दुर्गा माता समझकर लाए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद भी देंगे। इसीलिए जिनकी महिमा जितनी है उतनी ही मानो, तब तुम्हें फल प्राप्त होगा। अगर तुमने महिमा को ऐसे ही समझ लिया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जिनकी जितनी महिमा है उतनी बढ़ाओ, उसका सम्मान करो, उसकी प्रतिष्ठा करो। आप सब जानते हैं पुराने समय में ज्यादा पैसा नहीं था जनता के पास, तो लोग क्या करते थे मालूम है आपको? घर बनाते समय आगे वाली दीवार को थोड़ा ऊंचा बना लेते थे और उसमें बढ़िया गेट लगवाते चौड़ा, और पीछे सब रो ढूंढ रो पड़ो, सगाई वाले आवे तो बाहर से, महाराज देखो ये सब रो आपको दिख रो ना, ये ऊंची सी दीवार वारो बड़ो गेट, ये सब या छोरा वारे कोई है। पहले लोग भरोसा करे दूर से, पंडित जी पे भरोसा कर ले, नाई पे भरोसा कर ले, जो बता दियो मौसा ने हाँ कह दे, नाई ने बता दियो, पंडित जी ने कह दियो, वहीं पे सिक्का कर दियो, रुपया धरिया है, और छोरी चूल्हे में जाए, भाड़ में जाए, बाद में ढोड़े में पड़े चाहे नौरे में पड़े। कहने का मतलब यह है कि अंदर घर में चाहे जैसा हो पर दरवाजे को हमेशा अच्छा आज भी बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा मेन गेट अच्छा होना चाहिए था। अच्छा ईमानदारी से बताओ, दिन में कितनी बार नहाती हैं आप? मैडम लोग बताओ, फिर पुरुष बताएंगे बाद में। एक बार नहा लिए तो बड़ी बात है, और कोई कोई दो बार भी नहा ले, में ईमानदार लोग जो ज्यादा साफ सुथरो रह में, कोई कोई तीन बार भी नहा में, महाराज पूजा पाठ वारे रह में तो नहा ले में तीन बार। सुनिए, कोई नहीं नहाता होगा दिन में तीन बार, कोई बात नहीं है, पर कम से कम आपको ये मालूम है कि आदमी मुंह दो तीन बार धो लेता है, हाथ भी चार पांच बार धो लेता है, कम से कम पैर हाथ दो तीन बार धो लेता है, कपड़ों के अंदर जो चीज छुपी है उसको वो एक बार धो ले तो चल जावे,
पर जा पे कपड़ो ना लगे आंख पे नाक पे मुंह पे गालन पे आदमी पानी मारते ही रहे दिन भर धोते ही रहे महाराज। इसका मतलब यह है कि फ्रेंट अच्छा दिखना चाहिए। हमारी माताएं बहनें पुरुष लोग अंदर चाहे जितनी भी फुंसियां फोड़े हो रहे पेट पर चेहरे पे ले लिपस्टिक ले क्रीम ले पॉलिश ले लफड़ी ले कपड़ी एकदम चेहरा ऐसा कर लेते हैं सतर, यानी कि फ्रेंट को अच्छा रखना कहने का मतलब है। आप जैसे अपने चेहरे को चमाचम रखते हैं चाहे अंदर बदबू आ रही है सड़ रो सब रो सरी है कोई बात नहीं, पर दिखावा ठीक होना चाहिए। शास्त्रों में भी ये लिखा है यस्यम साधनम कृतम यज्ञम बोधनम जातान सुरक्षुक्तयः सुरक्षुक्तयः जातां। शास्त्र भी यही कहता है कोई यज्ञ करो कोई अनुष्ठान करो चाहे सत्यनारायण की कथा करो छोटी से छोटी कथा करो पर उसमें सबसे पहले साधन अच्छा होना चाहिए। शोधन बोधन यापन सबसे पहले दिखावा अच्छा करो। देवी भागवत को खोलो तीसरे पन्ने को पलटो उसमें लिखा हुआ है कथा करने के लिए क्या क्या अच्छा करना चाहिए। दूर से दूर तक बैनर लगाने चाहिए लिखा है पढ़ लेना घर पे जाके किताब खोल के दूर से दूर तक और अमेरिका में भी मामा रहता हो तो वहां तक पत्रिका पहुंचानी चाहिए न्योता देना चाहिए और दुश्मन को भी माइक लगा के बताना चाहिए कि भागवत हो रही है। और फिर शोधिताम शोधना जिस घर में हम रहते हैं उस घर से भी हजार गुना अच्छा पंडाल होना चाहिए। फिर बोधन अच्छी वाणी अमृत जैसी वाणी जिसकी हो ऐसे ही वक्ता को पंडाल में व्यास पीठ पर बिठाना चाहिए। तीन चीजों का ध्यान रखना है पूजा में शोधन बोधन यापन। इसलिए ध्यान करना ज्यादा आदमी बुद्धि से शुद्ध नहीं कर पाता जगह को तो हमारे ऋषियों ने फॉर्मूला निकाला का गाय का गोबर लाके लीप दो और हवन कर लो चल जाएगा शुद्धि हो जाती है। बोलिए काय किस कहां शुद्धि कर ले बता शुद्धि किधर करें। कठिन है जिस पर हमें बैठ के कथा करनी है या कथा सुननी है वो आसन पवित्र होना चाहिए। ज्यादा पवित्र आसन है पंडाल में वो पवित्र होना चाहिए दिव्य होना चाहिए। अच्छा ये मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ कम पड़ रहा है ना 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 फल मजबूत करना हो पूरा सफल करना है तो ये साधन आवश्यक है। सब्जी कब अच्छी लगती है जिसमें नमक ज्यादा भी ना हो और कम भी। ज्यादा नमक रह जाए तो भी सब्जी खराब और कम रह जाए तो भी खराब। पर शादी हो मकान हो कथा हो दुकान हो इसमें कम नहीं रहना चाहिए ज्यादा कितना भी लग जाए तो अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। लोग कहते हैं मैं तो कानों से सुनता हूं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं अब थोड़ा ज्ञान जलेसर में आके मिलेगा तो मिलेगा आज काफी मिला है सुबह से जब से आए तब से और मिलेगा जब तक एक आध दो घंटे और है तब तक मिलेगा ज्ञान। सीखने को बहुत कुछ मिलता है जहां जाओ वहां मिलता है यहां अलग मिला सीखने से बहुत कुछ मिला। जितनी जगह जाओगे कुछ सीखने को मिलेगा अगर सीखना चाहते हो तो सीखने को मिलेगा और मैं सीखना चाहता हूं इसीलिए रुका हूं। नहीं तो बैग में गाड़ी में इतना लेके हर समय घूमते कि जरूरत पड़े तो अपने कार्यों को सिद्ध करो अपने कार्यों को पूरा करो। क्योंकि कथा करने का संकल्प लिया जब से आज तक कथा हमारे बाल बच्चों का साधन नहीं बनाया कथा कोई परिवार चलाने का साधन इंद्रदेव के लिए नहीं है
कथा केवल और केवल जगत के उद्धार के लिए कथा करता हूं। मैं सन्यासी हूं, मुझे कथा बता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ये न्यास हो चुका है, मेरा पिंडदान हो गया है, श्राद्ध हो गया, जिंदे पैसे सब हो गया है, फिर मैं ये कथा बता के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा। पर महर्षि दयानंद कहते हैं, एक असली सन्यासी वो है जो राष्ट्र के लिए लड़ता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। गुफा में जाकर भजन करना तो कोई भी कर लेगा, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो कहीं भी जाके भजन करेगा, पर जगत का कल्याण कैसे होगा, जगत का उत्थान कैसे होगा। मेरे गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती भी वही बता के गए महाराज। आपको मैं यही बता रहा हूं, जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ना है तो हमेशा अच्छे कामों में अपना जीवन नौछावर कर देना चाहिए। ये संसार के प्रलोभन, ये नौकरी, ये चक्री, ये तो जिंदगी भर तुम्हें रड़ना है, इसमें ही मरना है। बाप दादा से लेकर पहली बार जिंदगी में ये अवसर आया होगा और इस अवसर में चुप कर दें, बार बार अवसर नहीं आता, बार बार पैसे खर्च करने को पेड़ों पे नहीं लग रहे पैसे, झड़ा के ले आओ बगीचा में से आम, ऐसे नहीं है पैसे, बड़ी मुश्किल से धन आता है और धन से बड़ी मुश्किल से धर्म होता है। कौन धन धन धर्म में लगाना चाहता है बता, जलेसर में क्या इतने ही लोग होंगे, दुनिया भर के कलश यात्रा में देखा, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्या कम है किसी के पास, पर धर्म में लगाने के पास धन नहीं है। यहां से आगरा लखनऊ कहां कहां प्लॉट खरीद लेंगे, मकान खरीद लेंगे, बंगले खरीद लेंगे और यहीं छोड़ जाएंगे, पर धन से धर्म जिनको करने का अवसर मिला है वो भगवान की गोद में बैठे हैं, ऐसा मानना चाहिए महाराज। धन जिनका धर्म में लगता वो प्रभु की, लक्ष्मी की, भगवती जगदम्बा की गोद में है, और जो भगवान की कृपा पात्र हैं वही धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान ने जिनसे मुख मोड़ रखा है उन पर धन चाहे जितना हो सकता है पर वो धार्मिक नहीं बन सकते और धर्म का कार्य नहीं कर सकते। सुनिए, धन के हजार पैर बताते बुजुर्ग लोग, हजार पैर धन के हैं पर फिर भी धन अपाहिज है, वो चल नहीं सकता। कब तक? जब तक धन का पैर न लग जाए उसको तब तक। बृहतो हि धन मम जातः वेद स्मृति श्रुति च, वेद स्मृति श्रुति कह रही है कि धन वही धन बनता है जो धर्म बन जाता है, नहीं तो धन क्या है। भागवत, कृष्ण भगवान की जो भागवत है उसमें जब हम दसम स्कंद की कथा सुनते हैं, भगवान की बाल लीलाएं सुनते हैं, तो उसमें धैनुकासुर नाम का एक राक्षस होता है, वो धन का ही अवतार है। पैसा जब धर्म में न लगे, संसार में लगे, तो वो धैनुकासुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, आदमी को कर्महीन बना देता है, दारूड़ा बना देता है, शराबी बना देता है, ज्वारी बना देता है, शैतान बना देता है, और घर में लड़ाई करवा देता है, पति पत्नी में विरोध कर देता है, भाई भाई में लड़ाई करवा देता है, मर्डर करवा देता है, जेल करवा देता है, वो धन। इसलिए भगवान के कार्यों में कभी भी खींचातानी ना करते हुए वफादारी से, दिल से आगे काम करते रहे। क्यों? यह लोकस्य कर्मं विभूषितं जातं प्रपद्यते परस्वया। महर्षि मनु क्या कहते हैं? महर्षि मनु कहते हैं कि भगवान के कार्यों को आदमी वफादारी से दिल खोल के हंसते हुए करता है तो कई जन्म और कई कई लोगों तक उसका यश बढ़ता ही चला जाता है, उसकी कीर्ति बढ़ती चली जाती है, उसकी जय जयकार बढ़ती चली जाती है। और
इस लोक में वो कीर्ति को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है और परलोक में भगवान के बराबर में आसन प्रदान किया जाता है। भगवान के निकट उनकी छाया के नीचे प्रभु के पास। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु रन दुखम न जाता जन्मस्य दुखम, जन्म और मृत्यु का जो दुख है, पीड़ा है, उससे वो हमेशा के लिए बच जाता है। एक रुपया कमाने वाले को पांच पैसे दान करना है, एक रुपया मतलब सौ पैसा, सौ पैसे कमाने वाले को पांच पैसा दान करना है तो घर में शांति, खुशहाली, व्यापार, उद्योग सब अच्छा रहेगा। और एक रुपया से लेकर के लाखों रुपये तक कमाई जिनकी है वो इसी हिसाब से गणित कर ले और राष्ट्र के निर्माण में, धर्म के निर्माण में, स्थापना में अपने तन का, मन का, बुद्धि का सहयोग करते रहें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, अपने कल्याण का मार्ग चुनें, अपने आप को धन करने के रास्ते पर चलाएं। तद्धनम कृतम जाता विलक्षण मूल्यम, श्रीमद देवी भागवत सबसे पहले किसने सुनी तो कहा सबसे पहले ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषि। सबसे पहले देवी भागवत की कथा को सूत जी ने सुनाया ऋषियों को और इस कथा का, देवी भागवत का प्रचार कब हुआ, जब इसने चमत्कार किए तब प्रचार हुआ। बंधुओं, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कथा सुनते हैं तो उसे वो चमत्कार नहीं मानते, उसे वो अपना सौभाग्य मानते हैं, उस पे आचरण करते हैं और उससे भगवत प्राप्ति करते हैं। और संसारी कोई, गृहस्थी कोई, प्रपंची कोई, पापी कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, निमित्त बनाकर सुनता है तो ये कथा चमत्कार करती है, तो कथा का प्रचार होता है। कहावत भी है समाज में, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। आप कुछ दिखाइए दुनिया को, दुनिया आपके पीछे पीछे आ जाए। आप सही ज्ञान, सही दिशा दिखाएंगे तो दुनिया पीछे नहीं आएगी, क्योंकि सही को समझना, सही को मानने वाले कम होते हैं। सबको उल्टा पुल्टा बताओ, झूठ बोलो, शनि की ग्रह बताओ, मंगल का ग्रह बताओ, सब तुम्हारे पैर छूने आएंगे, ऊपर से पैसा चढ़ाएंगे और तुम जो कहो उस देवता को माथा लगाएंगे। झूठ बोल बोल के गुमराह करो संसार को, है मूर्तियों के सामने तुम्हारा सिर गाड़ दो और कहे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, भूत उतर जाएगा, चुड़ैल उतर जाएगी, प्रेत उतर जाएगा, वहां जनता ढेर भीड़ लगाएंगे। और जो तुम्हें जन्म और मरण के बंधन से और शुद्ध धार्मिक बना के भगवान वैष्णव बनाने की कोशिश करे, वहां बड़ी जनता संभल के आती है, क्योंकि अच्छी जगह पर जाने के लिए पुण्य होना चाहिए, पुण्य, और ऐसे ही कहीं जाने के लिए बाजार की तरह भीड़ करने के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पाप का ही भंडार है। बाजार में पुण्य आत्मा नहीं आते महाराज, सब पाप आत्मा घूम रहे हैं, नोट भर के घर से लाते हैं और खाली हाथ, सब जेब खाली, हाथ में का लगो, 2 किलो शक्कर, 3 किलो बूरो, 2.5 किलो गुड़, 5 किलो दार, नमक मिर्च मसालो, पोटली बांधो, रुपया खत्म। और जो बांध के ले जा रहा है वो खाते से ही पेट में से निकल जाएगा, वो रहने वाला नहीं है, देख लो माला, ये पाप आत्मा पूरे बाजार में, कुछ इधर से जा रहे हैं, कुछ उधर से आ रहे हैं, बाजार में थोड़ी देर खड़ा हो जाओ पतो ही ना चले कि दुनिया आ कहां रही और जा कहां रही है। चमत्कारी भीड़ देखनी हो तो आप मथुरा आना होली गेट पे, चमत्कारी भीड़ होली गेट पे, आधा घंटे का 5 मिनट खड़े हो जाओ फिर देखो आप ये हिसाब नहीं लगा सकती है कि दुनिया पैदा इतनी कहां हुई, क्योंकि हम किसी घर में जाते हैं तो 2-3 आदमी दिखे। आजकल तो किसी भी घर पे चले जाओ दो तीन ही बचे, बाकी जन कहां चले गए, उड़ गए गिद्धन की तरह।
हम छोटे छोटे से थे ना, छोटे से, अब काफी बड़े से। तो अब जब छोटे थे महाराज, किसी भी रिश्तेदारी में चले जावे वहां पे खटिया ही खटिया, घर में ओटे में खटिया, आंगन में खटिया, चारों तरफ ढेर लग रहे खटियन के। और आप अब कहीं भी चले जाओ, पूरे घर में कछु दिखे ही नहीं, सब खत्म हो गए। पूरे किचन को फ्रिज में बंद कर देते और घर के पूरे सामान को बेड में बंद कर देते, और बड़ी मुश्किल से वैसे हो ही नहीं रहे आजकल तो, और हो जाए तो एक या दो। बड़ा कठिन है मैं, पाप लोक में भीड़ की कोई कमी नहीं है, पर पुण्य लोक में भीड़ की अति कमी है, बहुत कमी है, ज्यादा कमी है। तीर्थों में बड़ी भीड़ है महाराज, किसी भी तीर्थ में जाओ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, नंबर ना लग रहे, धक्का मुक्की हो रही, जंजीर कट रही, सोनो छिनगो, कुंडल छिना के भाग गए, पर्स चोरी है गए, कहां गए थे, कहां गए। कल हमारे आश्रम में एक छोरी आई, रो रही, कहा हो गया, पर्स गो, आधार कार्ड गो, पैन कार्ड गो, फलानो गो, ढिकानो गो, 4500 रुपया गए। मैंने, तू कहां गई थी, तो कहा बिहारी जी, बिहारी जी के कई अर्थ हैं, बिहारी जी के कई अर्थ होते हैं महाराज। घर में चोर आवे सामान लेके उड़ जाए, उसको भी कहते बिहारी हो गया, उड़नचू। सामान लेके बिहारी, बिहारी का मतलब होता है जिसका पता अब मिलने वाला नहीं है, जिसका पता नहीं उसे बिहारी कहते। अदृश्य शक्ति जो सब में समाई है, फिर भी हम उसे ढूंढ पाते नहीं है, सब में समाई है। बोलिए, एक डॉक्टर आता है लैब से, इंजेक्शन लेके तुम्हारी नस में सुई घुसाड़ दे, और फिर वो उल्टी खींचे, खून निकले आवे, सुरंज भर जावे खून से, फिर वो ले जावे मशीन में, शीशा में रख रख के चेक करे, 1000 शीशा लगा रखे कैमरे में, उनमें बूंद डाल दे और शीशा में रख के ऐसे ऐसे जोर से घुमावे, और घुमा घुमा करके उस खून में से पता लगा ले कि मलेरिया है वो, या तो टाइफाइड है वो, या तो शुगर है, या तो फलानो है, या तो टीबी है, या तो बीबी है, सब पता लग जाए खून से, और हमें कछु पता ना चले खून हमारा। बोला, बोलिए ना, खून किसके शरीर से लिया, तो किसका हुआ खून, हमारा होके भी हमें पता नहीं कि कौन से कीड़े घूम रहे खून में, और डॉक्टर बता रहा है देख करके। इसीलिए हमारे शरीर में सर्वत्र भगवान है, पर हमको भगवान भी दिखाई देता नहीं, उसके लिए भी कोई डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर कौन है, उसे कहते हैं गुरुदेव भगवान, सतगुरु जी कहते हैं। जब वो डालेंगे ना मंत्र की सुई और खींच के निकाल लेंगे तुम्हारे खून को, और जब घुमाएंगे तपस्या की और सत्संग की चक्की में, तो सारे कीटाणु दिखने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर कहां पे राम, कहां पे श्याम, कहां पे गणेश, कहां पे भोला, कहां पे दुर्गा, कहां पे सरस्वती, कहां पे गोविंद, और कहां पे लक्ष्मी। बोलिए, हथलेटी दिख रही है क्या, हाँ दिख रही होगी, मेरी तो मलूक है वो। दिख रही है हथलेटी महाराज है। अच्छा, कुछ लोग इसको यूं कर देते हैं पंडित जी के सामने, पंडित जी ने कहा देखी हूं मेरी हाथ है, जिनकी रेखाएं पंडित जी देख सकता है वो ठीक है, पर जो हाथी चाप चूना घिस रहे हैं 25 साल से, उनकी तो रेखा मिलती नहीं है। पंडित जी भले ही भाग बता सकता होगा तो बताता होगा, रेखा वेखा हाथ देख के है, वैसे ये घोर अंधविश्वास है ऐसा नहीं, पर समझाने के लिए मैंने हाथ को आगे बढ़ाया है। पर मान लो एक बार पंडित जी ने बता दिया और ये सच भी होगा, पर जो हाथी छाप घिस रहे 25 साल से, उनका तो कुछ नहीं होगा ना यहाँ, वो कैसे पता चले पंडित जी को, यहाँ तो सबरी मिटर गई रेखा।
चमड़ी के पैरों से मंदिर की पायरी का पत्थर घिस जावे है और मूंज की रस्सी से कुआ को पत्थर घिस के गड्ढा पड़ जावे है तो चूना हाथी छाप रगड़ के कहत लेटी ना घिसेगी। महात्मा इंद्रदेव इसीलिए आना चाहते थे जलेसर कि हाथी छाप और चूना से मुक्ति मिल जाए लोगन ने हथलेटी बचे। जैसे पंडित जी दिखाए कि ये तो देख ले कि ट्रक से मरेंगे कि ट्रैक्टर से मरेंगे कुचल के। आप कह रहे महाराज ट्रक ट्रैक्टर से मार भी आयो कि बचाए भी आयो? मैं तो बचाए भी आया हूं पर मैं क्या करूं। जो लोग बचना चाहते हैं वो सीधा भागवत की शरण में आ जाओ। क्यों? जगत में चिंता, जगत में चिंता हाय मिट्टी है उनकी, जो तेरी शरण में आ ही गए वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए, 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 जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए, 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 चरणों में आ गए। साथ में ये भी बंद होता है, साथ में बंद हो रहा है ना, ये रिदम के साथ बंद हो रहा है, रिदम के साथ उनको बंद करो तो ये भी हो रहा है, एक ही मिक्स एक ही सेटिंग में लगता है ये सब। क्या लिखते हैं सुनिए। न पाया तुझको वजीर बनकर, 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 न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। कोई कोई तो बिल्कुल लंगोट भी ना पहन रहो, इतनो नंगो घूम रहो, भगवान ने पाए वे काजे। न पाया तुझको वजीर बन, न पाया तुझको वजीर बन कर, पाया तुझको वजीर बन कर, न पाया तुझको फकीर 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 बन कर। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, चरणों में तेरी जो आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए।
तेरे चरणों में आ गए। वो जगत में चिंता मिटी है उसकी, जगत में चिंता मिटी है उसकी, जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए, 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 तेरे चरणों में आ गए, तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया तुझको वजीर बनकर, थोड़ा रिवर्ब कम करो रिवर्ब, और न पाया तुझको फकीर बनकर, वही परम पद को पा गए हैं, चरणों में तेरी जो आ गए हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए। कितनी बढ़िया बात आज महात्मा जी ने बताई, खून हमारा और हमें पता नहीं कौन सी बीमारी बता रहा है, पता चलता नहीं भाई साहब, डॉक्टर ही बीमारी को खोजने वाला होता है, इसीलिए वो पूजनीय समाज में, डॉक्टर डॉक्टर साहब हो जाता है, पूजा की वजह से, सम्मान की वजह से साहब जुड़ जाता है। ऐसे ही बंधुओं, हमारे शरीर में सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। हम लोग गुरुकुल में पढ़े हैं और लंबे समय तक गुरुकुल में रहे हैं महाराज, मुझे लगता है इतने बरस कोई नहीं पढ़ा होगा गुरुकुल में जितने बरस मैं पढ़ा, और उसी गुरुकुल की मेहरबानी है कि पूरे विश्व में लोग अलग प्रकार से प्यार करते हैं, चाहते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में गुरु को वैद्य बताया है, और गुरु का जो वाक्य है, वचन है, वो औषधि बताई है। सतगुरु वचन माफ करिए थोड़ा सा भूल हो गई, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु के वचन को विश्वास पूर्वक श्रवण करते हुए ये समझना चाहिए कि वो वैद्य हैं, वो जो भी गुट्टी पिला रहे हैं उससे लाभ ही होगा। पाप लोक में बड़ी प्रसिद्धि होती है कथा भागवत की, पूजा पाठ की, देवलोक में इसकी प्रसिद्धि नहीं होती है बंधुओं, इसलिए धरती लोक का दूसरा नाम है पाप लोक, तीसरा नाम है मृत्यु लोक, चौथा नाम है भोग लोक, पांचवा नाम है कर्म लोक, ये पांच नाम है धरती लोक। और अगर आज हम न होते व्यासपीठ पे तो आपको ये बात सुनने को नहीं मिलती, नई बात जो मैंने बताई है, धरती लोक के इतने नाम है महाराज, और सभी नाम मैंने लोक के रूप में ही बताए आपको, मृत्यु लोक, भोग लोक, कर्म लोक, पाप लोक और धरती धरती लोक। मेरे हाथ में बड़ी चाबी, और भी डिब्बा खोल सकता हूं ज्ञान का। धरती लोक को शास्त्रों की भाषा में यह लोक कहते हैं, यह लोक, कौन सा लोक,
यह लोक और जो लोक देखा नहीं है उसका नाम है परलोक। जो देखा नहीं उसका परलोक नाम, और जो देखा है जिसमें बड़े हुए पले हुए उस लोक का ज्ञान अभी तक हुआ नहीं और परलोक का ज्ञान ढूंढते फिर रहे हैं। बोलिए, इतने दिन है गए पर अभी तक जमाई ना समझ पाए जमाई कैसे हो हमारे, इतने दिन है गए साले ना समझ पाए के सालो कैसे हो, इतने दिन हो गए मामा बूढ़ो है वो सफेदी फैल गई पर मामा समझ में नहीं आए अभी तक मामा है कैसे। बोलो, 25 साल से बीवी के हाथ की कड़ी चावल रोटी खा रहो पर बीवी अभी तक ना पहचान पाए, और पूरे 28 साल से पूरी नौकरी खाई गई पर पति ये पहचान पाई नहीं। बता, हजार बार वोट दे दिया सरपंच को, गांव में चुन चुन के प्रधान बना दियो पर अभी तक पहचान हो पाई नहीं। ये है तुम्हारा हाल। बोलो, अपने नजदीक वालों तक पहचान नहीं पाए और चले भगवान को पहचानने, साधु को पहचानने, गुरु को पहचानने। पहले इन झूठ बोलाओं को तो पहचान लो, स्वार्थियों को, मतलबियों को, इन झूठ बोलाओं को जिसने पहचान लिया उसे भगवान की पहचान हो गई, फिर ढूंढने की जरूरत नहीं। आदमी भगवान कब तक ढूंढता है? जब तक वो झूठे झंटारों के साथ में खुश रहे। हेलो मामा जी हेलो, अब ना भगवान मिलेगो। जो मामा जी में खोए बैठे हैं उनको भगवान मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप सब समझदार हैं। कंस के बारे में कथा सुनी है आपने? शकुनी को जानते हो? शकुनी, कंस और शकुनी दोनों एक ही काल में आए। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सब लोग संसार में होते हैं। कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जिनसे संसार टिका हुआ है प्रलय होने से। लाख अगर पापी हैं तो एक पुण्य आत्मा भी इसी संसार में है। 1,00,000 लोग छिनानी झपटानी करने वाले हैं तो कुछ दान करने वाले भी लोग इसी संसार में हैं। ज्यादातर खाने सोने वाले लोग हैं संसार में तो कुछ कमा के खिलाने वाले भी संसार में रहते हैं। कुछ गालियां देते हैं धर्म को तो कुछ धर्म के लिए कुर्बानियां देते हैं, बलिदान देते हैं, इसीलिए संसार चलता है। किन्हीं को मंदिर बनाने में रुचि है, किन्हीं को तोड़ने में रुचि है। श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित ने सुनी श्राप लगने के बाद। राजा परीक्षित को श्राप लगा मृत्यु का सांप के डसने से, क्योंकि संत का अपमान किया था। अगर संत हृदय से अपमानित हो जाए और अंदर से नाराज हो जाए तो उसका श्राप बिना दिए लग जाता है। संत श्राप ना दे तो भी श्राप लग जाता है। जरूरी ये नहीं है कि हम किसी को नोचें, किसी में सुई डुसोड़ दें तभी दर्द होगा। जरूरी यह है कि भूल से भी अगर सुई पे पैर पड़ जाए तो भी सुई का दर्द होगा। जैसे भूल से सुई पर कांटे पर पैर पड़ने से दर्द पूरा होता है, ऐसे ही बिना चाहे बिना सूझे भी हम किसी का अपमान कर देते हैं तो भी दंड मिलता है, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है। पर संत हृदय नवनीत समाना, संत जो है वो नवनीत के समान है, हृदय उनका रुई के समान है। कपास को धुलकर बिनोरा निकालकर जब रुई बनती है ना,
तो वो ऐसी हो जाती है कि क्या कहना महाराज, 5 किलो रुई से पर्वत जैसा बन जाता है, पैर रख दो पूरी धरती में चली जाती है, ऐसा हृदय होता है संत का। सहृदयम श्रेष्ठार गतिर भावम, सच्चे संत अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारी बिगड़ी बात बन जाती है फटाफट। अगर संत भी तुम्हारी तरह जिद्दी हो जाए तो फिर बात कभी बनने वाली नहीं है। आदमी के पास में फिर कुछ बचता नहीं है सिवाय फांसी खाने के और जहर खाने के। ऐसे ऐसे अवसर पर संत प्राण बचाते हैं, सम्मान बचाते हैं, इज्जत बचाते हैं। संतों की इज्जत उतारने में लाखों लोग पीछे नहीं रहते। कोई संत गुजर रहा हो ना तो बैठे बैठे दुकान पर से कुछ न कुछ बोलेंगे बाबा के बारे में, साधु के बारे में। अरे मूर्खो, जो चीज देखी नहीं सुनी नहीं अपने आप क्यों चित्र पैदा कर रहे हो, पाप क्यों खड़ा कर रहे हो? आलोचना तो देख के भी करना पाप है किसी की। अगर हमने किसी का बुरा देखा है तो भी उसकी आलोचना करना अपराध ही है। क्यों? कर्मस्य भोगस्य कृतम न जाता न फलश्रुति नाम। अगर किसी ने बुरा किया है तुमने देखा है तो कर्म का फल भोगने वाला भोगेगा। आलोचना के पाप से बचना है तो सबको अपने कर्म पर रहने दो, आप भजन पे रहो, भगवान की आज्ञा में भगवान की सेवा में बने रहो। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण चरित्र सुना करके सर्प के डसने से जो मृत्यु आई राजा को जन्म और मरण से मोक्ष दिला दिया। राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मजय को पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु सांप के डसने से हुई है, तो महाराज जन्मजय हस्तिनापुर राजा नरेश राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय व्यास जी के पास गए जो उनके दादाजी थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, घर में जितने भी बालक हैं, नाती हैं, पोते हैं, पंती हैं, संती हैं, दादी और दादा के पास में अगर छोटे बच्चे नहीं जाते और वहां जाकर कुछ अच्छी बातें नहीं पूछते तो फिर वो बेकार बच्चे। मैं तो कहूंगा सबसे, करोड़ों लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं इस समय, करोड़ों लोग। मैं आपको सुना रहा हूं कि नहीं पता नहीं, पर मैं उन करोड़ों लोगों का ध्यान करके कथा सुना रहा हूं। मुझे पता है कि यहां से लेकर लंदन अमेरिका तक पंडाल बना हुआ है भगवान कन्हैया दुर्गा माता का, और हर जगह पर श्रोता बैठे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। बात यह नहीं है कि पंडाल में कितने श्रोता आने चाहिए ना, कथा केवल एक यजमान के लिए भी होती है, पर कथा कथा की तरह हो। पब्लिक को तो हम अपनी मुट्ठी में बांध के घूमते हैं, जब चाहे जहां चाहे इकट्ठी कर सकते। ये किसी यजमान के प्रताप से पब्लिक नहीं आती है, यजमान के अंदर कोई गुण कोई पावर नहीं होता है पब्लिक इकट्ठी करने का। पब्लिक तो केवल ये कथा इकट्ठी करती है, किसी संत का स्वरूप इकट्ठा करता है। पब्लिक के पास टाइम कहां है, लोग शादी में 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे, आधा घंटे में वापस हो जाते हैं। शादी 5 बजे लगेगी, लोग 2 बजे आके हाजिरी लगा के चले जाते हैं, तो कथा में कौन आएगा 7 दिन? पर आएंगे, सुनेंगे, क्योंकि कथा आदमी दिल में लगता है, कथा आदमी बुद्धि से नहीं सुनता। शादी में, ब्याह में, बरात में बुद्धि से जाता है, दिल से नहीं जाता है। वहां व्यवहार का कार्यक्रम है, बुद्धि का कार्यक्रम, आदमी हिसाब रखता है शादी का। आप याद रखना,
जिन जिन के घर से न्योते आते हैं, ब्याह के, शादी के, सगाई के, लगन के, उन सबके नाम लिखे जाते हैं हमारे घर में, फिर हम उनको न्योता बदले में देते हैं। जिसके घर से न्योता हमारे घर नहीं आया है तो हमारे घर से भी उसके घर जाने वाला, ये सारी लीला बुद्धि की। अगर ये लीला दिल की होती तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमें कोई न्योता दो ना दो पर हम तो पूरे गांव को देंगे, ये दिल की बात है। पर दिल ऐसा नहीं हो सकता सबका इतना अच्छा, क्योंकि दिल दिलदार के लिए लगता है, बुद्धि संसार के लिए लगती है। राजा जन्म ने जेने अपने पिता के उद्धार के लिए अपने परम दादाजी के यहां, व्यास जी के यहां जाकर, परम ज्ञानी के यहां जाकर के पूछा, दादाजी मैंने सुना है मेरे पिताजी को सांप ने डसा, और मैंने ये भी सुना है कि सांप के डसने से आदमी को सातों जन्मों तक मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, और मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। आप ध्यान करना बंधुओं, कुत्ता के काटने से अगर कोई मर जाता है विष से तो सात जन्म मनुष्य नहीं बनता, चांडाल योनि में घूमता रहता है। सांप के डसने से अगर कोई मर जाए तो सात जन्म तक उसे मनुष्य का स्वभाव सौभाग्य नहीं मिलता, दोबारा कीड़े की योनि में घूमता रहता है। पंखा से लटक के विष पीकर जो मर जाए उसे सातों जन्मों तक दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। पर राजा परीक्षित के बारे में भी पुत्र का यही संशोधन है, यही शंका है। अहम बासान पुत्रो पित्रार्गतम। नवरात्रियां क्यों महान होती हैं? क्योंकि ये पितृ श्राद्ध के बाद आती है, पितरों के बाद। अभी अभी पितर गए, चार दिन पहले श्राद्ध गए। अगर किसी के श्राद्धों में पितरों को भोजन न पहुंचा हो, कुछ गलती हो गई हो, तो नवरात्रियों के नौ दिन जो अग्यारी करते हैं ना, उससे पितरों को शांति मिलती है। इसीलिए पितरों के बाद ही देवी माता आती है, श्राद्ध आते हैं, श्राद्धों के बाद दुर्गा आती है, भक्ति शक्ति। और ये नवरात्रि में ये कथा आ जाए, कोई सन्यासी आ जाए तो पितरों के मुंह में खीर चम्मच से पहुंचती है, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी से सिंहासन पर पहुंचती है, आसन सम्मान के साथ पहुंचती है। तरीके हैं पितरों को कैसे कैसे मनाने के तरीके हैं। बरातें अलग अलग होती हैं, दावतें अलग अलग होती हैं, माना कई जगह यही रहता है, बूंदी परोस दी एक मुट्ठी, साग डाल दियो आलू को, ऊपर से कड़क सी पूरी डाल दी, दांतन से ना कट रही, ये बरात है। और एक बारात वो भी है जहां पर लाइन इतनी लगी है खाने की कि खाने वाला गिन भी नहीं पा रहा, खाएगा तो बाद में। और वो भी भोजन, वो भी बारात जहां पे परोसने वाले टाई लगा के खड़े हैं, शर्ट पहन के प्रेस करके परफ्यूम मार रहे हैं खाने वाले। और वो भी बारात है जहां पे कुछ लड़कियां परोस रही हैं, अप्सराएं जिन्हें कहते हैं, स्वर्ग भोजन, वो भी बरात है, वो भी भोजन है। तो श्रीमद देवी भागवत कथा नवरात्रियों में श्राद्ध पक्ष के बाद जब सुनते हैं तो आप ऐसा समझ लो जैसे अप्सरा तुम्हारे दादाजी को स्वर्ग में भोजन करा रही है। इतना फल प्रदान होता है देवी भागवत कथा श्रवण करने से नवरात्रियों में श्राद्ध पक्ष के बाद में। श्राद्ध करके अपने पितरों का, नवरात्रि का जो व्रत करके कथा सुनता है सन्यासी ज्ञानी के मुखारविंद से, उनके पितरों को स्वर्ग में सोने के भोजन प्राप्त होते हैं थालियों में, ये ध्यान रखना। और सोने की थाली में भोजन मिले मंदिर बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने पांडाल में जो बैठे ना, इन्हें तो चांदी में ना खाए अभी तक, ये तो ज्यादा हद है गई, तो कांसे तक पहुंचे अभी। ओ जले सरियो, बोलो तो सही, सही कह रहे हैं कि ना गुरु जी है? अरे महाराज अब कांसे की थाली में कहां मिल रहे हो, वो तो पुरानी बात है, अब तो एक ही थाली आवे कांसे की छोरा के ब्याह में, और वो भी टांड पे भरी है। जमानो उल्टो आएगो मारा, कांसे की थाली में जीजा जी को खाना परोस दो तो मुंह फुला लियो, दियो हम तो ससुराल गए मानो या पीतर की थाली में रोटी खवाई हमें, बता उल्टो जमानो आए। और केमिकल की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, खाली फूल छपरे हो और उसमें जीजा जी को दे दो, ले
अरे क्या बात है यार, ससुराल बड़ा मॉडर्न मिला है, बताओ प्लास्टिक में खुश हो रहा। ये संसार बिल्कुल उल्लू का पट्टा होता चला जा रहा है और उसमें हम भी फंसते चले जा रहे हैं। सुनो ओ छोरियो, तुम्हारा भाग्य अच्छा कि तुम्हें पोता मिट्टी ना खोदनी पड़ रही खेतन में थी, नहीं तो तुम्हारी जो सास और अम्मा दादी सास ही ने वो पोता मिट्टी में उसकी ढाई गिरी और मर गए। तो जैसे पोता और पीली मिट्टी खोद खोद के कितनी माताएं दब दब के मर गईं, ऐसे ही आजकल हम मॉडर्न की भाट में घुस घुस के मरते चले जा रहे हैं। कौन कब दब जाएगा भरोसा कुछ भी नहीं है। महात्मा इंद्रदेव इस कलयुग की बीमारी और उस भाट में से बचाना चाहता है, पर क्या करे। हमें लगी कि 50,000 लोग होंगे पांडाल में, ऐसा सोच के वृंदावन से निकले और यहां पे आए तो लेने के देने पड़े। मैंने कहा आदमी चले सर में मिलते कि नहीं मिलते, कि भाड़े पे लाने पड़े। काफी देर तक तो मिले ही ना, जा चौराहे पे खड़े रहे, वहां चौराहे पे खड़े रहे, वहां पे खड़े रहे, वहां रेल के पुल पे खड़े रहे, आदमी ना दिखो। मैंने कि चले कहां गए सबरे, यादव पैदा तो खूब करे पर दिख कोई ना। समझो ही ना, 1.5 घंटा तक तो आदमी ना दिख रोड पे। कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए, जा विधि राखे राम ताई वेद रहिए, ज्यादा फल बनेगा। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। 108 पंडित जी बैठे माला घुमा में कथन में, 108 पंडित जी एक माला घुमा देवे तो 1,000 हो जावे। अगर वो माला 100 बार घुमा दी तो 1,00,000 मंत्र हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोग मिलके गाओ, ज्यादा मंत्र का फल आ जाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम।
राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम यस्यम कर्मम दास्यम। बंधुओं, हमारे दादा दादी चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, पर उनकी जिंदगी का जो अनुभव है वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। परीक्षित के पुत्र जन्मजय व्यास जी के पास पहुंचे और अपने पिताजी के मरने की बात कही, शंका जो थी वो कही। कहा, दादाजी, पिताजी को महर्षि का श्राप लगा, पिताजी ने संत का अपमान किया, संत ने श्राप दे दिया, तक्षक नाग ने डस लिया पिताजी को, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मुझे रात दिन ये सपना आता रहता है कि पिताजी का कल्याण शायद नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा विद्वान कहते हैं कि सांप के डसने से कल्याण होता नहीं है, चाहे कोई कितना भी पुण्य आत्मा हो। भगवान वेद व्यास जी ने जन्मजय राजा का समाधान किया, उपदेश कहा, वत्स, वैसे तुम्हारे पिता जन्मजय परीक्षित का कल्याण हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से कृष्ण चरित्र का श्रवण किया, श्री भगवती महालक्ष्मी का चरित्र श्रवण किया है राधा के रूप में, और जो श्राप से या पाप से ग्रसित हैं, जो भगवती और भगवान का चरित्र श्रवण कर लेते हैं उन्हें अवश्य मुक्ति मिल जाती है पापों से कष्टों से, मेरा विश्वास है कि परीक्षित मुक्त हो चुके हैं और वो भगवत शरण चले गए, उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है। पर पुत्र होने के नाते पुत्र को संतोष नहीं है पिता के कल्याण के लिए। अहम पित्रानवर्जितो रूपम मय्यं धर्म सिद्धय। परमात्मा सबको जन्म जय जैसा पुत्र प्रदान करे, एक
जन्मय जय जैसा पुत्र सबको मिले हिंदुस्तान में, पिताजी का कल्याण हो गया उनके कर्मों से, तो भी पुत्र को फिक्र है पिताजी के कल्याण की, ऐसा बेटा मिले तो कल्याण हो ही जाएगा सब। पर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां आ रही है कि 99% औलाद ऐसी है कि पिता के कल्याण में रोड़ा अटकावे, कि माता पिता का कल्याण हो न जाए कहीं से। माता पिता जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करने जाते हैं उसमें अड़चन और दीवार लगाने वाले रिश्तेदार नातेदार परिवार खड़े होते चले जाते हैं। सर्वत्र यही हाल है, सब मजहबों में यही हाल है, सब पार्टियों में यही हाल है, केवल ये प्रॉब्लम हिंदुओं में नहीं, सब जगह यही हाल है। कोई बिरली औलाद ऐसी होंगी जो माता पिता का उद्धार चाहती है, उनका कल्याण चाहती है। राजा परीक्षित का कल्याण तो उनके कर्मों से हो चुका है, पर पुत्र का भी तो कोई धर्म है ना। लोग क्यों पुत्र मांगते? इतनी अच्छी सुंदर पुत्री पैदा हो जाए उसके बाद भी बेटे की भूख बनी रहती है, क्यों बनी रहती है? क्योंकि उन्हें लगता है जन्म जय की तरह शायद बेटा आ जाए, हमारा कल्याण कर देगा, हमारे कल्याण के लिए कथा करवाएगा, यज्ञ करवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा। ऐसा हम सोचते हैं पर ऐसा संभव नहीं होता है। करोड़ों में कोई एकाध बेटा ऐसा होता है जो माता पिता के उद्धार के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए यज्ञ करेगा, दान करेगा, मंदिर बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, कमरे बनवाएगा। ये सब कोई बिरले लोग हैं जो अपनी माँ के नाम का कमरा बनवाएंगे वृंदावन में, पिता के नाम से कमरा बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे। कोई बिरले होंगे जो बनवा रहे हैं, अपने माता पिता का उद्धार कर रहे हैं, उनकी कीर्ति बढ़ा रहे हैं और उनको पितृलोक में स्वर्ग का सिंहासन पहुंचा रहे हैं, स्वर्ण थाली में बैठकर भोजन करा रहे हैं। आप जानते हैं हमारे हिंदुओं में क्या परंपरा है? अगर कोई मरने वाली दादी पंती देख ले तो लोग क्या बोले? सोने की सीढ़ी पे चढ़ के गई। बताओ, बेटा दारू पी रहा, नाती दारू पी रहा, पंती दारू पी रहा और दादी सोने की सीढ़ी पे चली जाएगी, ये कोई कोई विज्ञान है? झूठा झूठा बता के चले। नाती पंती संती छंती कलंती फलंती अठंती सोमंती कई मंती हो जाओ, जय मंती तक है जाए, पर ये सोने की सिड्डी किसी को बिना कर्म के मिलने वाली नहीं है। नाती पोती पैदा करने से सोने की सिड्डी मिल जाती तो हमें कौन पूछता? फिर सब रे सोने की सिड्डी पे चढ़े जाते, सबके नाती पंती घूम रहे है। घर में चार चार पीढ़ी पैदा हो रही है तो भी बाबा गूदड़ी में पड़ो पड़ो सड़ रो। अरे पंडित जी तो कह रहे सोने की सीढ़ी पे जावे, कोई तो सड़ रो खकारू ना थूक पार, आप यहां से टपक गए। बोलो सोने की सीढ़ी पे चढ़ रहो? अरे दादा 10 साल हो गई मकान के ऊपर भी ना चढ़ पाए हो, सोने की सीढ़ी पे कहां से चढ़ेगो, घुटना जा चुके दोनों। 5 साल से तो बाबा बाहर भी ना निकलो घर में से, क्योंकि 5 सीढ़ी हैं दरवाजे पे। अब पत्थर की 5 सीढ़ी ना उतर रो ना चढ़ रो, तो ये सोने की सीढ़ी स्वर्ग तक कैसे चढ़ेगो? तो लोग क्या करते हैं, पाखंडी लोग क्या करते हैं, सोने की सीढ़ी बनवा के लामे सुनार के यहां से 3 ग्राम की। बताओ 3 ग्राम की सीढ़ी पे पांव धरेगो 60 किलो को आदमी, तो ऐसी की तैसी कर देगो ना सीढ़ी की? बताओ कैसे कैसे ढोंग फैला रखे, बताओ चले सर में बोलो। पूरी जिंदगी पहलवान छाप सकलंडी छाप लक्ष्मी छाप बीड़ी पीपी के मरे हो दादा, और जा सोने की सिड्डी को सेड़ रहे संग में। बोलो कितनी कंपनी बदल रही दादा ने 40 साल में बीड़ी इनकी। सोने की सीढ़ी पे चढ़ने की जिन जिन को आशा है वो नाती पोते का भरोसा मत करो महाराज, क्योंकि जब तक स्वर्ग कमाओगे नहीं स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। नहीं है, कोई किसी को अपना अधिकार नहीं देता। अगर नाती तुमको सोने की सीढ़ी देने वाला पैदा हो जाए तो इस राष्ट्र का उद्धार ही जो हो जाएगा, पर नाती तो तुम्हारे माल पे कब्जा करने वाले पैदा हो रहे।
राजा जन्म जैसे सब पोता प्राप्त हो जाए तो फिर मैं भी उसके पढ़ाई लिखाई में अपनी मेहनत कर दूंगा महाराज, मैं भी अलग से पढ़ाऊंगा, ऐसे बच्चे पैदा होने लगे तो घर घर जाऊंगा, क्लास लूंगा, उनको सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, संसार का वायरस ना लग जाए ऐसी पवित्र औलाद को। पर औलाद ही सुथरी पी पी के बनाई जा रही है, खाए खाए के, तो इनको कहा पढ़ाए वैसे फायदा। और बचे कुछ कोरोना में लुट गए सबरे, 8 साल के 9 साल के सब चपके पड़े मोबाइल पे। गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैं गुरुजी, हैं। हमारा छोरा तो चौथी कक्षा में पढ़े, एक मिनट मोबाइल ना छोड़े, मोबाइल छोड़ेगा कैसे। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बिना पढ़े पास किए सरकार ने तो भी ऑनलाइन में मोबाइल दे दियो हाथ में, जब बिना पढ़े पास किए तो ये ऑनलाइन की बीमारी लगी कैसे। इसको कहते हैं षड्यंत्र, विदेशियों का षड्यंत्र है ये। भारत कैसे चरित्रहीन होगा, भारत कैसे धरती लोक में मिलेगा, भारत कैसे पाताल में जाएगा, भारत कैसे नरक में जाएगा। विद्यार्थी 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 अगर चरित्रवान नहीं है तो राष्ट्र का कभी भला होने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए अपने ऋषि महर्षियों को, अपने पूर्वजों को याद करो, उनके फोटो रखा करो घर में, और तुम्हारे घर में क्रिकेटर का फोटो चपक रो दीवार पे, क्रिकेटर लटक रहे, नचकल्लियां लटक रही हैं, है? क्या बताऊं तुमको, बड़े बड़े महाराज आदर्श तुमने अपनाए हैं पर ये आदर्श तुम्हारे कुछ काम आने वाले नहीं है, क्योंकि इन आदर्शों को लेकर आप क्या कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, पर महाराज आपका पैसे से उद्धार नहीं है। पैसा तब ही लक्ष्मी बनता है जब वो नारायण के कामों में आता है, अगर वो प्रभु के कामों में नहीं तो पैसा कभी लक्ष्मी बनने वाला नहीं है, शैतान बना देता है, हैवान बना देता है। बोलिए कैसे कैसे हाल हो रहे हैं जलेसर में, बाप के सामने बेटा गुटखा खा रहा और दरवाजे पे पिताजी कुर्सी पे बैठे, छोरा ओटा पे बैठे है और पिचकी पिचक कर रहा, यूं करके स्टाइल से थूके, ये हाल है। क्यों, पिताजी को स्टाइल मारना नहीं आता, नहीं तो थूकने में पापा भी कोई कम पापा राज दरबार खावे और बेटा लक्ष्मी दरबार खा रहा, फर्क कितना, कंपनी बदली है बाप बेटा ने, पर दोनों गले में डाल के रखे। पापा ने ओटा गंदा कर दिया थूक के और बेटा खरंजा गंदो कर रोने के दूर फेंके पिचकारी, क्योंकि दांत नए छोरा के। कई बैठे यहां पे ऐसे, पापा नंबरी और बेटा वैसे नंबरी, कई बैठे और बैठेंगे भी, अगर कथा सुनाई तो मैंने 7 दिन। पर महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि सब लोग नंबरी तो रहें पर सब एक नंबरी रहें, यहां भी और वहां भी, जहां भी जाओ वहां नंबर वन कहलाओ। वो तब होगा जब आपका आहार हिंदुस्तान का और हिंदुत्व का होगा, सनातन और राम और कृष्ण का होगा, घर में अंडा मांस गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट शराब जुआ नहीं आएगा, तो तुम कहलाओगे कृष्ण बंसी राम बंसी, और घर में ये सब घुसे जाएंगे तो तुम कहलाओगे कंस बंसी। कौन से बंसी? कंस बंसी। वैसे कंसु याद भी हो भूल से, और बलराम और कृष्ण भी यादव थे, अब तुम कौन से खानदान के हो मोए पतो, मुझे नहीं पता, वो धीरे धीरे पता चलेगा, डीएनए करे बगैर तो मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं तो पानी तभी पीऊंगा घर को जब डीएनए कर लूंगा, या घर में कौन से वंश को खेले।
मखाने परोस दिए छोरी ने आमती के, पर मैंने ना ढूके पहले चूल्हे की जड़ तक जानो चाहिए साधु है। मिलो खा लो, मिलो खायो, एक साल में ही बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा साधु। जैसा खाएगा अन्न और वैसा बन जाएगा मन। भक्त भक्त होता है, पर भक्त के यहाँ और भी बहुत सारे षड्यंत्र होता है। सब चीजों को निहार के, पखार के, पर्दा डाल के, प्रक्षालन करके तब भोग लगाना चाहिए संत को, भगवंत को और तुमको भी। पर तुम कैसे बदमाश हो, तुम्हें कोई लेनो देनो ना। मामा के गए तो मामा के यहाँ खा रहे सो रहे, जीजी के यहाँ गए तो जीजी के यहाँ खा रहे। कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। हैं जीजी खीर बनाई है मखाने डाल के, हाँ ला तीन कटोरी इन तो बिना सांस के पी जावे, चाहे बाद में उल्टी कर तो फिर मोटरसाइकिल पे। राजा जन्मजय महाराज व्यास जी से पूछ रहे हैं कि मुझे पुत्र होने के नाते अपने पिता के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। सत्य प्रकाश जी, राजा जन्मजय को व्यास जी ने जो बताया वो मैं बता रहा हूं। व्यास जी ने कहा, अम्बोर कृतम यज्ञं ये वे शक्ति महाप्रभो नवद्वाराम नवामासम नवज्योति नवग्रह। हे बालक, हे महामहिम, हे राजा जन्मजय, अपने पिता का कल्याण चाहते हो, जगत माता की गोद चाहते हो कि तुम्हारे पिता जगदम्बा के गर्भ में चले जाएं, उनके पेट में चले जाएं और कभी जन्म ना हो, कभी मरण ना हो, तो जाओ जगदम्बा भवानी का, अम्बे माता का यज्ञ करो नवांश और उनकी कथा करो, कथा का श्रवण करो। ये यज्ञ कैसे होता है, ये कौन सा यज्ञ है और ये जगदम्बे माता कौन सी है? जन्मजय राजा जिन माताओं के नाम जानते थे सब माताओं के नाम बताए, क्या जगदम्बा इनको कहते हैं, इनको कहते हैं, इनको कहते हैं? नहीं, व्यास जी ने कहा, जगत अम्बाम तदम व्यासम ये वे अम्बरौ गृहताम पिपात सत्ययः। जगदम्बा कहते हैं उस भगवान को, उस शक्ति को जो धरती पाताल सागर समुद्र आकाश सबको पी जाती है और सबको गर्भ में धारण कर लेती है। जब प्रलय आता है संसार में तब चारों काल द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग जब समाप्त हो जाते हैं तो ये जो संसार आप देख रहे हैं ना, आकाश पृथ्वी अग्नि जलवायु, इनको भी रिलैक्स करना, इनको भी शांति देना पड़ता है, इनको विश्राम देना पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई इन्हें विश्राम नहीं दे सकता, तब भगवान तीनों देवता जगदम्बा का रूप धारण कर लेते हैं, तब ये सब देवताओं के शरीर सहित सारा ब्रह्मांड जगत माता के गर्भ में प्रवेश हो जाता है। बोलिए जगदम्बा माता की जय। षष्ठमासं यथा व्यासं, जगदम्बा माता की कथा छह महीने बड़ी शुभ मानी है। कौन से छह महीने हैं? तो अभी तीन दिन निकल गए छह महीने के प्रारंभ के नवरात्रि के। श्राद्ध मास में शरद ऋतु से लेकर के देवी भागवत या देवी का जो यज्ञ है वो मार्च में चैत्र की नवरात्रियों तक शुभ माना गया है। तो व्यास जी ने जन्मजय राजा को कहा कि ये जो काल है माता के यज्ञ का ये शुभ है, इसलिए वत्स जाओ नवान में यज्ञ करो जगत माता का और नवांश कथा का, भगवती देवी माता के पुराण का श्रवण करो। जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है वो शक्ति माता जगदम्बा देवी पुराण है।
अगर आप देवी पुराण की कथा श्रवण करोगे, यज्ञ करोगे, तो अवश्य ही आपको देवी के चरित्र श्रवण करने का फल ये मिलेगा कि आप पुत्र के ऋण से उऋण हो जाएंगे और जन्म जन्म आप पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके पितरों को जगत माता के चरणों में उनके गर्भ में वास प्राप्त हो जाएगा। ऐसा व्यास जी ने कहा तो जन्मजय राजा ने उसी समय व्यास जी के चरणों में प्रार्थना की, मुझे कौन सुनाएगा देवी भागवत, कौन यज्ञ मेरा करेगा। तब भगवान व्यास जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे दादा भी हैं, आपका भी फर्ज है कि आप अपने पोते का कल्याण करें और आप महाज्ञानी हैं, आपने ही पुराणों की रचना की है और प्रथम वक्ता आप बने हैं सृष्टि के धरती लोक के, तो हे दादाजी आप मुझ पर कृपा करो और मुझे देवी की कथा सुनाओ और यज्ञ भी आप ही करवाओ। आज भगवान व्यास ने राजा जन्मजय को श्रीफल नारियल देकर संकल्प करवाया, गणेश स्थापना करवाई और माता नवान्न दुर्गा का स्थापना करवाई और दीप जलाए, अखंड ज्योत जलाई और यजमान मान करके परीक्षित का कल्याण हो पितृ शांति के लिए देवी भागवत की कथा और नवान्न दुर्गा यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए मंडप सजाया गया और सभी देवताओं की स्थापना की गई। आज मैं कथा को यही विश्राम कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कथा यहाँ पहुँच गई। देवी की कथा कल से प्रारंभ होगी, आज कथा करने के लिए राजा को ज्ञान दिया श्री व्यास जी ने और स्वयं व्यास जी ही कथा सुनाएंगे और यज्ञ करवाएंगे अपने अपने पितरों के, अपने अपने सभी परिवार के कल्याण के लिए। जगत माता हमारे ऊपर कृपा करेंगी और ये कथा आप लोग सुनेंगे, धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं जो देंगे, हमारे सत्य प्रकाश जी अपने परिवार के साथ आरती के लिए मंच पर पधारे और जो भी उनके कोई रिश्तेदारों को लाना चाहें तो वो लेके आए। जी हाँ, एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोल दे, जय माँ शक्ति, जय जय माँ भवानी। जी हाँ, अभी आप और हम शारदीय नवरात्रा पर्व के उपलक्ष में श्रीमद देवी भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। आज कथा का प्रथम दिवस था। इस कथा के प्रवक्ता परम श्रद्धेय परम पूज्य सदगुरुदेव क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज बहुत ही रोचक तरीके से आपके सामने कथा रखते हैं और उन अपाहिजों, निशक्तों, निराश्रितों की जिंदगी को रोचक करने के लिए ये बीड़ा उठा रखा है। अपनी संपूर्ण तमाम कथाएं उन लोगों को समर्पित करते हैं जिनकी जिंदगी में अंधेरा है, तो हमें उम्मीद है आपका साथ मिलेगा और विशेष रूप से सेवा संचालित होती है गुरुदेव के माध्यम से जो गौ सेवा है उसके लिए हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका साथ मिलेगा, आप श्री का सहयोग मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे मेरी मंजिल मत पूछो, अभी तो मैंने सफरी शुरू किया है। मुझे मेरी मंजिल मत पूछो, अभी तो मैंने सफरी शुरू किया है। अरे नहीं हारूंगा जिंदगी में कभी, ये फैसला मैंने खुद से किया है। तो इस फैसले में आपका साथ है, तभी ये फैसला हम कर सकते हैं, गुरुदेव कर सकते हैं। इस समय हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 6 राज्यों में गुरुदेव के माध्यम से गौशालाएं संचालित स्थापित हैं परमार्थ गौशालाएं नाम से, तो उसी प्रकार से आखिरी के सेवाधाम के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में भी गौशाला का निर्माण हो रहा है, उसके लिए आप श्री भूमिदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्री इस परमार्थ गौ सेवा संस्थान में आप आजीवन सामान्य सदस्य भी बन सकते हैं, जिसके लिए 51,000 रुपए की सेवा है। अगर आप ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अगर साथ देना चाहते हैं तो 1,11,000 रुपए की सेवा है और विशेष ट्रस्टी बनने के लिए 2,51,000 रुपए की सेवा है। अगर आप श्री वरिष्ठ पदाधिकारी हेतु सेवा देना चाहते हैं तो 5,51,000 रुपए की ये सेवा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा। अगर आप श्री एक गाय को गोद लेने के इच्छुक हैं और अपने पितरों के नाम से गोद लेना चाहते हैं उनके निमित्त, तो 31,000 रुपए की आप सेवा करके गौ मैया को गोद ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप श्री अगर गोल्ड कार्ड मेंबरशिप के लिए सेवा देना चाहते हैं
तो 1,11,000 रुपए की आप सेवा कर सकते हैं और आप श्री के आजीवन सभासद गोल्डन कार्ड सहयोग की यह सेवा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा। इस समय जिन्होंने सेवा दी है उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये हैं स्वर्गीय महेश भोजक जी की स्मृति में चूरू राजस्थान से 11 थाली सेवा आई है, 1661 रुपए की यह सेवा है। इनके लिए तालियां बजाइएगा, जिनका मैं नाम उच्चारित करूं जिन्होंने सेवा दी है उसके लिए लगातार आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये है राज दुलारी, गोदान दिया है 1100 रुपए का, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण यादव जी चंद्रपुर से, इन्होंने गोदान 1100 रुपए का दिया है। बुद्धि देवी भट्ट उत्तराखंड से गोदान 2100 रुपए का दिया है, इनका भी आप आभार प्रकट करें तालियों के साथ। कार्तिक चंद्रशेखर के नाम से सहयोग आया है, कोयंबटूर से गोदान के लिए 2000 की सेवा की है। नरेंद्र कुमार जी थाली सेवा देते हैं 1500 रुपए की, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती कुमारी गो सेवा देते हैं 2100 रुपए की, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोमा जी कलकत्ता